हेलो वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल कोचिफा एप्लीकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ का कंप्लीट करंट एंड बैंकिंग अफेयर्स। सो आज का जो सेशन होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन आरबीआई मेंस एसबीआई के एग्जामिनेशन एंड अदर जो भी एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ साथ आरबीआई रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, सारी अदर बैंकिंग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ एमओयू स्कीम्स अपॉइंटमेंट्स डेज एंड थीम्स अवार्ड्स डिफेंस साइंस स्पोर्ट्स इन सारी कैटेगरीज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी कवर अप करवाती हूँ। सो सेशन जो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। अगर आपको एक कंप्लीट मंथ का करंट एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्लीट अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगी कि प्रीवियस मंथ के मैंने सारे करंट अफेयर्स का आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है, मैंने आपको सारे सेशन प्रोवाइड किए हुए एंड प्रीवियस सिक्स मंथ का प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है एंड प्रीवियस मंथ के आपके करंट अफेयर्स को आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। ओके, अगर आप लोगों को स्टैटिक बैंकिंग डिस्कस करना है तो आप ये दो सेशंस देख सकते हो जिससे स्टैटिक बैंकिंग आपका कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो गाइज अभी हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव फॉर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए जो टोटल अमाउंट अप्रूव किया गया है वो कितना किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24,104 करोड़। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री हैड अनाउंस दिस कैंपेन फ्रॉम खूंटी झारखंड ऑन द ओकेजन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे ऑन 15th of November। सो 15th of November को ट्राइबल प्राइड डे था, उस दिन जो है खूंटी झारखंड में इस कैंपेन को जो है अनाउंस किया गया एंड जो ये पीएन जनमान है इसके लिए 24,104 अमाउंट जो है वो अप्रूव किया गया, जिसमें से सेंट्रल का जो शेयर है दैट इज़ 15,336 करोड़ एंड स्टेट का जो शेयर है दैट इज़ 8,768 करोड़। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, अंडर दीज द फोकस विल बी 11 इंपॉर्टेंट एरियाज थ्रू द 9 कंसर्न मिनिस्ट्रीज। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द अभियान ऑन जनजातीय गौरव दिवस फ्रॉम खूंटी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये खूंटी झारखंड से इसे अनाउंस किया गया है जिसमें 11 इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस किया गया है, ठीक है, जिसमें 9 मिनिस्ट्रीज जो है वो वर्क करेगी। ओके, अब देखिए ये जो है प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन जो है वो इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था। ओके, एंड ये जो है ये एमिनिटीज प्रोवाइड करता है लाइक सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप फैमिलीज। सो इन लोगों के लिए ये सारी एमिनिटीज जो है ये मिशन जो है प्रोवाइड करता है एंड इस साल के बजट में इसे अनाउंस किया गया था। आने वाले 3 सालों के लिए इसमें जो अमाउंट सैंक्शन की गई थी दैट इज 15,000 करोड़ रुपीज। ओके, एंड जो प्लान है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इसके अंडर में इसे अनाउंस किया गया था कि आने वाले 3 सालों के लिए इतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस शेड्यूल ट्राइब जो है इंडिया में उसका पॉपुलेशन है 10.45 करोड़। ओके, जो कि 18 स्टेट्स में लोकेटेड है एंड यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में जो आइलैंड में जो है लोकेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जिसमें 75 कम्युनिटीज जो है वो है। ओके, एट प्रेजेंट 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन द कंट्री विच रिसाइड इन 22,544 विलेजेस इन 220 डिस्ट्रिक्ट, दे हैव कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 2.8 मिलियन। ओके, सो जो मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सेंसस शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे सेंसिस का पॉपुलेशन जो बताया है किस तरीके से वो कम्युनिटी जो है वो स्प्रेड है वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। ओके, सो ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया था उसका अमाउंट कितना था,
24,104 जिसमें सेंट्रल और स्टेट का शेयर क्या है ये ध्यान में रखना है। कहाँ से इस कैंपेन को अनाउंस किया गया ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल एक्सटेंड PMJKAY फ्री राशन स्कीम फॉर अनादर 5 years टिल 2029। व्हाट इज द एक्स्ट्रा बजट इज एस्टिमेटेड फॉर दिस। सो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, जिसके तहत फ्री राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो इस स्कीम को फिर से आने वाले 5 सालों के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 2029 तक जो है इसमें फ्री राशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए कितना बजट जो है वो एक्स्ट्रा का बजट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है, दैट इज 11.80 करोड़ रुपीज। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द एक्सटेंशन इज अप्रॉक्सिमेटली 11.80 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है इसको कौन से ईयर तक एक्सटेंड किया गया है, दैट इज 2029, आने वाले 5 ईयर्स के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द PMJKAY स्कीम फॉर अनादर 5 ईयर्स फ्रॉम January 1, 2024। तो 2024 से आने वाले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब ही 2029 तक फ्री राशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ओके, द सेंटर हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू प्रोवाइड अ फूड एंड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू 80 करोड़ पुअर इंडियन फॉर 5 more years। तो 80 करोड़ जो पुअर इंडियंस हैं उन लोगों को जो है आने वाले 5 सालों के लिए फूड जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो ग्रेन्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ये जो स्कीम थी आप सभी को बता होगा कोविड के दौरान इसे लॉन्च किया गया था 2020 में। ओके, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था एंड आफ्टर दैट इसे फिर से एक्सटेंड, ये 2 से 3 बार एक्सटेंड हो चुकी है। ओके, 2023 में इसे फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, January 2023 से लेके ये 2024 में एंड होने वाली थी, बट 2024 में फिर से जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया और आने वाले 5 ईयर्स के लिए जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.80 लाख करोड़। ये जो है ये आने वाले 5 सालों के लिए इतना अमाउंट जो है अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन इंडिया फॉर सेंट्रलाइजिंग डेटा फॉर अर्बन डेवलपमेंट। क्या बोला जा रहा है आपको, एक पोर्टल का नाम जो है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। ओके, सो उस पोर्टल का नाम है Amplify 2.0। सो Amplify 2.0 का यहाँ पे फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया पोर्टल। सो इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। द प्राइमरी गोल ऑफ द Amplify 2.0 पोर्टल इज टू सेंट्रलाइज एंड स्ट्रीमलाइन रॉ डेटा फ्रॉम सिटीज अक्रॉस दिस इंडिया फ्रॉम इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव अर्बन डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये Amplify 2.0 पोर्टल जो है इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, इसका प्राइमरी उद्देश्य ये है कि जो शहरी विकास के लिए भारत के अलग अलग सिटीज से डेटास को कलेक्ट करना जिसके तहत अर्बन जो डेवलपमेंट है वो होगा। ओके, सो रॉ डेटा को कलेक्ट करना है, ये इनका जो है उद्देश्य है, उसे सेंट्रलाइज करना, उसे स्ट्रीमलाइन करना। ओके, जिसके तहत अर्बन डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका फुल फॉर्म Amplify 2.0 का। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ तमिल आइकन तिरुवल्लुवर अनवर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। सो ये जो तमिल आइकन है तिरुवल्लुवर, इनका प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया तो किस स्थान पर किया गया, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्जी फ्रांस में जो है इसका अनावरण जो है किया गया, इस स्टैचू को जो है अनवील किया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्जी फ्रांस में जो है किस तमिल आइकन का जो है स्टैचू अनवील किया गया, तो वो रहेगा तिरुवल्लुवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव लॉन्च बाय द पीएम मोदी टू एम्पावर वुमेन इन रूरल एरियाज विद एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नमो ड्रोन दीदी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है जो कि मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसके तहत रूरल वुमेन्स जो है उसे एम्पावर किया जाएगा विद द एग्रीकल्चर ड्रोन्स, तो वो है नमो ड्रोन दीदी। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एम्स टू एम्पावर 15,000 वुमेन सेल्फ
एग्रीकल्चरल ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 15,000 विमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको ड्रोन्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, सो ये जो स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम्स, इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसके मेन बेनिफिट्स है, इसके तहत रूरल वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा, देन एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती है उसका एडवांसमेंट किया जाएगा, इसके तहत जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है रूरल वुमेन्स को। ओके, इनकॉर्पोरेटिंग सेफ्टी एंड इन एफिशिएंसी इन फार्मिंग। ओके, सो ये जो ड्रोन जो लाए गए हैं इसके तहत जो है फार्मिंग जो रहेगा वो मोर इफिशियंट हो जाएगा, मोर सेफ जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस किया जा रहा है, जो भी हैंडल मेथड्स होती थी उसे रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, देन मिटिगेटिंग फिजिकल हार्डशिप फॉर द फार्मर्स, जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा हार्डशिप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसे रिप्लेस किया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। सो ये बेनिफिट सारे प्रोवाइड करती है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो इस स्कीम को लाकर जो है वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, कितनी वुमेन्स को किया जा रहा है, 15,000 वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, जिसके तहत जो है डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड होने वाले हैं फार्मर्स को। ओके, सो आई होप आप सभी को जो मैंने ओवरऑल आपको बताया वो समझ आया होगा, आप इन डिटेल में सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज introduce the Nari Shakti Saving Account aimed at women age 18 and above with the independent income sources. क्या बोला जा रहा है, कौन सी बैंक है जिसने recently introduce किया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट को, ठीक है, जो कि 18 ईयर से ऊपर की वुमेन्स है एंड इंडिपेंडेंटली वो पैसा कमा रही है, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट को जो है लॉन्च किया है, स्पेशली जो 18 से ऊपर की विमेन हैं, ओके, उन लोगों के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनी साइन द MOU फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ EV चार्जिंग पॉइंट्स। कौन सी दो कंपनी है जिनने रिसेंटली जो है MOU साइन किया है जिसके तहत जो है EV चार्जिंग पॉइंट को डिप्लॉय किया जाएगा। ओके, दैट इज टाटा पावर एंड इंडियन ऑयल इंक। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। टाटा पावर EV चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इन दोनों ने MOU साइन किया है जिसके तहत 500 EV चार्जिंग पॉइंट्स को जो है डिप्लॉय किया जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कितने EV चार्जिंग पॉइंट्स को नेशन वाइड डिप्लॉय किया जा रहा है, दैट इज 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर बेदी रिसेंटली कॉन्फर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड एट द प्राइवेट सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई। सो कबीर बेदी जो है इन्हें रिसेंटली इनमें से कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है, कौन से अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया है जो कि एक प्राइवेट सेरेमनी हुआ था मुंबई में, दैट इज ऑप्शन ई ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ओके, जिसे मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालिना ये भी कहा जाता है, ये इटली का हाइएस्ट ऑनर है जो कि कबीर बेदी जो है इन्हें दिया गया। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये मार्च 13, 1951 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, एंड ये अवार्ड किसे दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन होता है वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग आर्ट्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक, पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल, फिलंथ्रॉपिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। सो ये सारे चीज़ों में जिनका हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है, ये इटली का हाइएस्ट ऑनर है जो कि कबीर बेदी को दिया गया है रिसेंटली। सो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर एट द शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से कंट्री ने जो है वर्ल्ड का फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अनवील किया, दैट इज चाइना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो है वर्ल्ड का फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अनवील किया गया। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रैंक एज द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। सो ये जो मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे है इसमें वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है इसमें रैंक करने वाले कौन हैं, ये आपको पूछा जा रहा है, दैट इज़ नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर में जो रैंक कर रहे हैं इन द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, दैट इज़ मोदी जी 76% के साथ। ओके, ये रैंकिंग जो है चेंज होते रहता है,
तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है मोदी जी जो है यहाँ पर टॉप है। टॉप 10 मिनिस्टर्स की मैं अगर बात करूँ तो आपके सामने ये चार्ट है, 10 मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स इन द मॉर्निंग कंसल सर्वे। ओके, सो ये लेटेस्ट रेटिंग जो है नवंबर 29 को ये रिलीज हुई है। ओके, सो ये लेटेस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो यहाँ पे मोदी जी का आता है 76%, देन आते हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेज मैनुअल, देन है स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलेन बेरसेट, देन है ब्राज़ील, देन है ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। तो टॉप 3 अगर आप ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा, ठीक है, उनके परसेंटेज के साथ, उनकी जो रेटिंग है उसके साथ आपको ध्यान में रखना है। मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म है जो ये रिलीज करता है। ओके, सो इसके द्वारा मोदी जी जो है उन्होंने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट साइन बिटवीन REC लिमिटेड एंड जर्मन बैंक KfW। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि REC एंड जर्मन बैंक जो है KfW, इनके द्वारा कितना लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, दैट इज़ 200 मिलियन यूरो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द लोन विल बी यूज टू अंडरटेक रिफॉर्म्स इन द इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर अंडर द इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दिस मार्क्स REC सिक्स्थ लाइन ऑफ क्रेडिट। सो ये REC का सिक्स्थ लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके तहत इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, द लोन एग्रीमेंट एम्फसाइजेस REC कमिटमेंट टू स्ट्रेंथलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्कॉम्स इन अलाइनमेंट विद रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए जो है इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा एंड उसमें जो है इसे यूज किया जाएगा। ओके, सो वो अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए किसने किसके साथ MOU साइन किया ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो 200 मिलियन यूरो को जो यूरो का जो है अमाउंट का लोन जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन REC लिमिटेड एंड जर्मन बैंक KfW। ओके, ठीक है, सो ये जो REC का है ये सिक्स्थ नंबर का लाइन ऑफ क्रेडिट है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन है, विच सिटी सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन इन द रैंकिंग ऑफ सेफेस्ट सिटीज अकॉर्डिंग टू द NCERB रिपोर्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है, NCERB रिपोर्ट के अनुसार जो है इनमें से कौन सी सिटी जो है जो कि सेकेंड पोजिशन पे रैंक कर रही है सेफेस्ट सिटीज में, दैट इज पुणे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन में है कोलकाता, सेकंड पर है पुणे एंड जो थर्ड पर आता है दैट इज हैदराबाद। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कोलकाता कॉन्जिकटिवली थर्ड टाइम सबसे सेफेस्ट सिटी जो है उसमें आया है। द सिटी रिपोर्टेड 86.5 केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर लैक पीपल, सरपासिंग अदर मेजर सिटीज बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन। पुणे महाराष्ट्र सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन विद 280.7 केसेस पर लैक, फॉलोड बाई दी हैदराबाद तेलंगाना एट 299.2। समझ में आया आप लोगों को? सो इनका यहाँ पे रैंकिंग जो है सबसे पहले आएगा कोलकाता, देन आएगा पुणे महाराष्ट्र, देन आएगा हैदराबाद तेलंगाना। ओके, द रैंकिंग वॉज बेस्ड ऑन द स्टडी कंडक्टेड इन 19 सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख। ठीक है, ये जो रैंकिंग है ये 19 सिटीज़ में कंडक्ट किया गया जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, द नंबर ऑफ ऑफेंसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, अरेस्ट, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट्स एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रायल्स वेर द मेन पैरामीटर कंसिडर। इन पैरामीटर्स को कंसिडर करके जो है इस रैंकिंग को देखा जाता है एंड उसके अनुसार जो है सेफेस्ट सिटी को जो है वो घोषित किया जाता है। ओके, सो मैंने केसेस के भी यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों को बताए, तो आपको ध्यान में रखना है कोलकाता के, पुणे के एंड हैदराबाद तेलंगाना के, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक पूछा जा रहा है, दैट इज 7th। इंडियाज रिमार्केबल राइज टू 7th प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। Index is fueled by its outstanding performance in renewable energy and low greenhouse gas emission. Okay, so India ने अपना जो rank है वो बेहतर किया है, ठीक है, renewable energy का outstanding performance देके, मतलब renewable energy को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके and greenhouse gas का लो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करके। ओके, सो इंडिया का रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7th है। ऑप्शन सी
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसीव द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, कौन से बैंक को जो है बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है. दैट इज फेडरल बैंक. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. फेडरल बैंक ने जो है बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो रिसीव किया है. ओके, फेडरल बैंक इंट्रोड्यूस बैंक ऑन द गो, अ मोबाइल व्हीकल दैट डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज टू रिमोट एरियाज. इसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बैंक ऑन द गो ये जो है फेडरल बैंक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत बैंकिंग सर्विसेज रिमोट एरियाज में प्रोवाइड की जाएंगी. अगर मैं बात करूँ फेडरल बैंक के MD एंड CEO की, तो वो है श्याम श्रीनिवासन. इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज रिकग्नाइज फेडरल बैंक एज अ टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड फॉर द क्लाइमेट रिपोर्टिंग इन 2023. ये एक और डिफरेंट पॉइंट है जो कि फेडरल बैंक से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान में रखना है. क्या बोला जा रहा है, IFC जो कि वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है, इसने फेडरल बैंक को जो है टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड जो है इसे दिया गया. किसे, फेडरल बैंक को. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, CAFI का अवार्ड जो है वो फेडरल बैंक को जो है वो दिया गया है. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने तीन पॉइंट्स देखे हैं रिलेटेड टू फेडरल बैंक. एक मिला है बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड, सेकेंड है बैंक ऑन द गो, ये एक इनिशिएटिव, ये एक सर्विस जो है फेडरल बैंक द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, एंड लास्ट वन इज CAFI अवार्ड जो है वो IFC द्वारा जो है वो फेडरल बैंक को जो है दिया गया है. ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज मेड टू इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री अंटिल मार्च 2024. दैट इज येलो पीज. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो कि मार्च 2024 तक इसका शुल्क मुक्त आयात करने के लिए बनाई गई है, मतलब कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो फ्री करने के लिए जो है अनाउंस किया गया. दैट इज येलो पीज. द मिनिमम इंपोर्ट प्राइस फॉर द येलो पीज एंड अलाउड शिपमेंट ड्यूटी फ्री अंटिल मार्च 31st 2024 टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ पल्सेस एंड क्रीप प्राइजेस अंडर द चेक. ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹588.68 करोड़ विद द टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ ₹588.68 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. सो वो है डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट. ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. द कोलैबोरेशन एम टू एनहांस द डिजिटल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द DCG प्रोजेक्ट. ओके, सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो डिजिटल कैपेबिलिटीज है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो है वो इसके तहत जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस की जाएगी. ओके, इस प्रोजेक्ट के तहत, एंड इस प्रोजेक्ट के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. और कितने का साइन किया है, 588.68 करोड़ का. ओके, सो डिजिटल कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस किया जाएगा थ्रू दिस प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स लकाडोंग टर्मरिक यूनिक लीडिंग एट इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. क्या बोला जा रहा है, किस चीज़ के वजह से जो है लकाडोंग टर्मरिक जो है वो यूनिक है एंड उसे GI टैग जो है वो प्राप्त हुआ है. दैट इज़ हाई करक्यूमिन कंटेंट. ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. लकाडोंग टर्मरिक इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स हाई करमरिक कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 6.8 to 7.5% कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी. अलॉन्ग विद द लकाडोंग टर्मरिक, गारो डाकमांडा, लार्नाई पॉटरी, गारो चुबितिची वर अवार्डेड द GI टैग इन मेघालय. सो मेघालय में जो है रिसेंटली ये GI टैग्स दिए गए, ये चार GI टैग्स जो है वो दिए गए. यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो लकाडोंग हल्दी है ये क्यों यूनिक है, किस क्वालिटी के वजह से जो है इसको GI टैग जो है वो दिया गया है. दैट इज़ इसका हाई करक्यूमिन कंटेंट के वजह से इसे दिया गया है, जो कि रेंज करता है 6.8 to 7.5%. ओके, सो उसके वजह से जो है इसे दिया गया है. इसके साथ साथ किसे किसे दिया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसकी मैंने आपको बताया है लकाडोंग टर्मरिक को दिया गया है, गारो डाकमांडा को दिया गया है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, देन लार्नाइन पॉटरी को दिया गया है, गारो
चुबिची को दिया गया, ये एक अल्कोहलिक बिवरेज है जिसे जीआई टैग जो है रिसेंटली दिया गया है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स ग्लोबली इन 2023। सो ग्लोबली अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में कौन सी वुमेन ने टॉप किया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डर लेयन। इन्होंने जो है वर्ल्ड की 100 मोस्ट पॉपुलर वुमेन की लिस्ट में टॉप किया है। सो हमारी इंडिया की 4 वुमेन इसमें लिस्ट करती है, और वो 4 वुमेन्स कौन सी है एंड वो 4 वुमेन्स में सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है, दैट इज निर्मला सीतारमन, जिन्होंने 32nd स्पॉट लाया है एंड वो हाइएस्ट है इस रैंकिंग में। ओके, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है जिन्होंने इस रैंकिंग में 32nd रैंक लाया है। लास्ट ईयर जो इनका रैंक था दैट इज 36, इन्होंने अपने रैंक से इम्प्रूव किया है इस साल की इस लिस्ट में। ओके, सो वो 4 वुमेन्स कौन सी है एंड टॉप 10 वुमेन्स कौन सी इस लिस्ट में, इसका चार्ट आपके सामने है। सो टॉप 10 की अगर मैं बात की करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया टॉप पर है उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि बेल्जियन से लोकेटेड है, ये पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। देन है क्रिश्चियन लिगार्डे, देन है कमला हैरिस, ओके एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो, टॉप 5 आप ध्यान में रख सकते हो। टेलर स्विफ्ट जो है वो भी यहाँ पे रैंक करती है 5th नंबर पे। ओके, सो ये जो रैंकिंग मैंने आपको प्रोवाइड की है टॉप 10 की, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रही बात इंडियंस की, तो इंडिया में जैसे मैंने बताया कि 4 लोग रैंक करते हैं इस लिस्ट में। एक है हमारी निर्मला सीतारमन, जिनका रैंकिंग मैंने 32nd ऑलरेडी बताया। अब रिमेनिंग 3 वुमेन जो है वो आपके सामने है, इसके पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। देन जो 60th रैंक करती है दैट इज रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि इंडियन बिलेनियर है एंड फिलेंथ्रोपिस्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड अ लिस्टेड आईटी कंपनी इन इंडिया। देन है सोमा मंडल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन, जिन्होंने रैंक किया है 70th। ओके, देन रिनाउंड इंडियन बिलेनियर एंटरप्रेन्योर किरण मिजुमदार शॉ, जिन्होंने 76th रैंक किया है इस लिस्ट में। सो इंडियन 4 वुमेन्स की रैंकिंग, उनका रैंक कितना है ये आपको ध्यान में रखना है, कौन लिस्ट करती है ये रैंक रखना है, क्योंकि क्या हो सकता है इसके ऊपर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वुमेन जो है वो रैंक नहीं कर रही है इस लिस्ट में। 4 आपको मेंशन होंगी, 5th ऑप्शन में कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको पता होना चाहिए। वो 4 वुमेन्स के नाम, उनका रैंकिंग के साथ आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 5 जो रैंक कर रही है वुमेन्स, उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड न्यूक्लियर रिएक्टर इन जापान्स इब्राकी परफेक्चर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जापान के इब्राकी परफेक्चर में कौन सा न्यूली न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इनॉग्रेट किया गया, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। दैट इज ऑप्शन है JT-60SA, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ओके, जापान के इब्राकी परफेक्चर में। ओके, और ये जो बनाया गया है ये यूरोपियन यूनियन एंड जापान ने मिलकर जो है इसे डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल बिकेम द 8th कंपनी इन इंडिया टू सरपास द डैश मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। भारतीय एयरटेल ने क्या किया है, 4th ऑफ दिसंबर को की ये न्यूज़ है, जब भारतीय एयरटेल जो है वो 8th कंपनी बनी इंडिया की जिसने 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल जो है वो मार्क किया है, क्रॉस किया है एंड उसी के साथ वो 8th कंपनी बनी है भारतीय एयरटेल। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, भारतीय एयरटेल 8th कंपनी बना है इंडिया का जिसने 6 लाख करोड़ का जो कैपिटल है वो क्रॉस किया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताया, अगर आप लोग RBI असिस्टेंट का मेंस दे रहे हो तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का इक्वली प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोगों के पास काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है, उस कम वक्त में भी आप लोग कंप्यूटर का अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हो। जिन भी लोगों ने जो भी सीरीज सर ने स्टार्ट की अगर वो फॉलो नहीं की होंगी वो फॉलो कीजिए, सारे सेशन को क्विकली ग्रो थ्रू कीजिए एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को अभी भी जिन लोगों ने ये कोर्स को नहीं लिया है, नहीं ज्वाइन किया है, अगर वो आज भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आने वाले 2 दिनों में अगर उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया, ज़्यादा बड़ा है नहीं,
एक कॉम्पैक्ट कोर्स बनाया गया है जो कि आपको आपके सिलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपको डेफिनेटली 40 में से 30 प्लस मार्क्स ला कर देगा। आपने अगर इस कोर्स को आज भी ज्वाइन किया तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में आप 30 प्लस जो है वो लेकर आओगे। बट उसके लिए कंडीशन ये रहेगी, आपको सारे जो सेशंस प्रोवाइड किए गए, आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड किए, आपको एक बार उसे कंप्लीटली गो थ्रू करना रहेगा। ओके, सो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो और भी ज़्यादा बूस्टअप कीजिए, एंड उसी के साथ कंप्यूटर अवेयरनेस में 40 में से 35 प्लस 30 प्लस जो अपने मार्क्स जो है वो लेकर अपना सिलेक्शन जो है वो और भी ज़्यादा हासिल करने के लिए जो है अपना प्रयास कीजिए। ओके, सो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोचिफाई के एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है, बेसिक डिटेल्स के साथ उसे रजिस्टर करना है। आफ्टर दैट आप लोगों को ये कोर्स जो है वहाँ पर मिल जाएगा, इसे ज्वाइन करना है और अपना प्रिपरेशन करना है। आप कोई भी एग्जामिनेशन में अगर कंप्यूटर अवेयरनेस को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ये बेस्ट कोर्स है, और इस कोर्स के माध्यम से आपकी सारी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आती है, वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी एक सिंगल कोर्स से। ओके, और डेफिनेटली आपको इसमें से जो भी क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशन में देखने भी मिलेंगे। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे, एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये था ऑल अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आप लोग रिमेनिंग सेक्शन जो आपका बचता है, दैट इज़ एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसका अभी प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर द प्रीलिम्स मेंस, तो आप लोगों के लिए 3-in-1 एक वीडियो कोर्स बनाया गया है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो कंप्लीटली 1 ईयर के लिए आप इसे एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स। सो अगर आप लोगों ने ये भी कोर्स ले लिया तो आपकी सिलेक्शन की जो है वो तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड ये दोनों कोर्सेज को ज्वाइन करके आप लोग अपना प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकते हो। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ओके, जो कि आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे शॉर्ट ट्रिक, सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसी टेक्निक्स आपको जो है वो लगानी है रीजनिंग सॉल्व करते वक्त, क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस आपको जो है वो अप्लाई करने हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। ओके, सो आज ही से ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो किए, लेकिन आप सभी को पता है मैं आप लोगों को बुलेट न्यूज के फॉर्म में जो है पूरा सेशन जो है वो पढ़ाती हूँ, करेक्ट। सो अभी हमारा सेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी हम लोग सारी कैटेगरी वाइज सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। सो सेशन को कंटिन्यू करना है, अच्छी तरीके से देखना है, ईच एंड एवरी न्यूज़ को समझना है, और सारे जो भी सब पॉइंट्स आपको बताया जाता है, नंबर्स, फिगर्स, जो भी चीज़ें बताई जाती है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, सो सबसे पहले कैटेगरी हमारी है नेशनल न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़, दोनों को कवरअप किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन है NLCIL साइंड MOU with the Nettur Technical Training Foundation and Tamil Nadu Skill Development Corporation for Youth Employment. So, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है, NLCIL ने MOU साइन किया है Nettur Technical Training Foundation के साथ एंड Tamil Nadu Skill Development Corporation के साथ। सो अब इसके लिए कितना पैसा स्पेंड किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 1.12 लाख पर कैंडिडेट। ओके, सो NLCIL हैज कमिटेड टू स्पेंड 1.12 लाख पर कैंडिडेट फॉर दिस फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम अंडर इट्स बजट फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। दिस प्रोग्राम विल हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम टेक्निकली ट्रेन एंड गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन प्रीमियर कंपनीज। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपली आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि NLCIL ने किसके साथ MOU साइन किया है एंड पर स्टूडेंट कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड किया जाएगा फॉर द यूथ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज 1.12 लाख पर स्टूडेंट। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन है बेंगलुरु टू गेट इंडिया लार्जेस्ट सर्कुलर रनवे। इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रनवे जो है वो बनाने जा रहा है। सो इसके लिए कितना अमाउंट अलॉकेट किया जा रहा है, दैट इज 7 करोड़ हैज बिन अलॉकेटेड फॉर द फिजिबिलिटी एंड अलाइनमेंट स्टडी ऑफ द बेंगलुरु सर्क्यूलर रनवे रेलवे सॉरी Bengaluru plans to establish 287 km circular railway with the aim of becoming country's largest suburban network by politically surpassing Chennai's 235.5 km circular railway. The
सो यहाँ पे आप लोगों को एक बात पता चली है कि बेंगलुरु जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे बना रहा है। सो इसका किलोमीटर भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, दैट इज 287 किलोमीटर। इससे पहले जो था वो चेन्नई का था, दैट इज 235.5 किलोमीटर। इसे इसने सरपास किया है। ये 287 किलोमीटर का सर्कुलर रेलवे जो है वो बनाने वाला है, जिसके लिए अमाउंट जो अलॉकेट किया गया दैट इज 7 करोड़ रुपीज। ओके, इंपॉर्टेंट है, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है वो तिरुअनंतपुरम में जो है वो होने वाला है, इज गोइंग टू बी हेल्ड इन तिरुअनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट वन है बिहार गवर्नमेंट लॉन्च मिशन दक्ष टू मिनिमाइज स्कूल ड्रॉप आउट्स। क्या बोला जा रहा है, मिशन दक्ष जो है वो बिहार की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे दक्ष का फुल फॉर्म ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ओके, सो ये मिशन दक्ष जो है ये बिहार की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है उसको मिनिमाइज किया जाएगा। अब इसका एम क्या है, ऑफरिंग स्पेशल हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश क्लासेस टू द वीक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 to 8 अक्रॉस द स्टेट। क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट उन लोगों को इंग्लिश मैथमेटिक्स ये सारे सेक्शन में डिफिकल्टी जाती है, उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो स्कूल को छोड़ देते हैं। ओके, सो उनको स्पेशल जो है हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश की क्लासेस जो है वीक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जाएगा। क्लास 3 से लेके 8 के जो बच्चे हैं उन लोगों को अक्रॉस द स्टेट्स में जो है वो फैसिलिटी, मतलब कि फैसिलिटी मतलब ही उनको इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड की जाएगी, जिसके तहत जो है स्कूल ड्रॉप आउट्स जो है वो मिनिमाइज होंगे। एंड इस मिशन का नाम है मिशन दक्ष। ओके, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, ये दक्ष का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये भी साथ ही साथ ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8 क्यूब अनवल इन गुरुग्राम। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो अनवल किया गया है गुरुग्राम में, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। सो ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जिसे कहीं पे भी भेजा जा सकता है बाय एयर रूट, बाय लैंड रूट और बाय सी रूट। ओके, सो ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि कहाँ पर अनवील किया है, गुरुग्राम में। अब यहाँ पे इसमें सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें 72 क्यूब्स जो है वो बनाए गए हैं। इंडिया हैज़ अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, अ ग्राउंड टेकिंग फैसिलिटी इन गुरुग्राम दैट कैन बी एयरलिफ्टेड एंड कंसिस्ट ऑफ 72 क्यूब्स। इट इंक्लूड्स एन ऑपरेशन थिएटर, अ मिनी ICU, वेंटिलेटर्स, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट्स, एन एक्सरे मशीन, कुकिंग स्टेशन, फूड वाटर शेल्टर, पावर जनरेटर एंड मोर। सो ये सारी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाने वाली है। एंड जो ये प्रोजेक्ट भीष्म के दौरान जो है, ये जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था हेल्थ केयर इनिशिएटिव का जो मोदी जी ने लॉन्च किया था फेब्रुवरी 2022 में, उस दौरान जो है इस हॉस्पिटल को जो है लाया गया है। सो प्रोजेक्ट भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द संयोगिता एंड मैत्री। ओके, बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज लॉन्च ग्राम मानचित्र टू एम्पावर अ ग्राम पंचायत एंड इम्प्रूव द ग्रास रूट स्पैटियल प्लानिंग। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च टूल्स लाइक जीआईएस एप्लीकेशन, ग्राम मानचित्र एंड मोबाइल सोल्यूशन एम एक्शन सॉफ्ट। यूटिलाइजिंग जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी, दिस टूल्स ऑफर अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर विजुअलाइजिंग एंड प्लानिंग डेवलपमेंट वर्क्स, फैसिलिटेटिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और उनका जमीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार लाने के लिए जो है पंचायती राज के मंत्रालय ने जो है ग्राम मानचित्र इस मोबाइल एप्लीकेशन को एंड एम एक्शन सॉफ्ट इस मोबाइल सॉल्यूशन को जो है लॉन्च किया है। ओके, सो ये दोनों टूल्स जो है उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी को जो है यूज किया जाएगा एंड उसे यूज करके जो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, सो यहां पे ध्यान रखना है ग्राम मानचित्र एंड एम एक्शन सॉफ्ट जैसे टूल्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा लॉन्च किए गए। ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया प्रोवाइड टू $50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केनिया फॉर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। सो इंडिया ने केनिया को कितने का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसके तहत एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन जो है वो इंप्रूव किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, गरबा ऑफ गुजरात मेक्स इट टू यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो है गुजरात का जो गरबा है इसे मार्क किया गया। ओके, नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइंड $175 लोन टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी रिसाइलेंस ऑफ द रोड्स इन द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश की जो रोड कनेक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड ADB ने $175 मिलियन का लोन जो है वो साइन किया है। ओके,
Kaspersky, IIT Delhi, partner for cyber security talent development in India. Okay, Kaspersky and IIT Delhi ne jo hai partnership sign kiya hai dono ne for what? For the cyber security talent development in India. To ye cyber security ka jo talent hai wo aur bhi zyada India mein developed ho, iske liye Kaspersky ne and IIT Delhi ne dono ne partnership sign kiya hai. Okay, wax statue of Baba Saheb Ambedkar installed in Jaipur wax museum. Kya bola ja raha hai? Dr. Baba Saheb Ambedkar jo है, इनका वैक्स स्टैचू जो है वो जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इंस्टॉल किया गया. तो ये जो स्टैचू है ये कितना इसका हाइट है ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज 5 फीट एंड 11 इंच टॉल एंड इसका वेट है 38 केजी. ओके, सो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का ये स्टैचू जो है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इसे इंस्टॉल किया गया है. ओके, एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद कितने टोटल वैक्स फिगर्स वहाँ पे हो गए. दैट इज 43 वैक्स फिगर्स जो है वहाँ पर हो गए. ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन है द महालक्ष्मी स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड फ्री ट्रैवल फॉर द गर्ल्स वुमेन्स ऑफ ऑल age groups and transgender person in state run Pelle Velugu and express buses operated by the Telangana State Road Transport Corporation within the border of the Telangana state. This scheme will be effective from December 9, 2023. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, महालक्ष्मी जो स्कीम जो लॉन्च की गई है वो तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है. सो ये स्कीम क्या करती है, ये स्कीम क्या करती है, गर्ल्स वुमेन्स जो भी सारी एज ग्रुप्स की ट्रांसजेंडर इन सभी को क्या करती है, फ्री ट्रैवल जो है वो प्रोवाइड कर रही है. जो स्टेट की ऑपरेटेड बसेज है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑपरेटेड बसेज है पहले वेलुगु एंड एक्सप्रेस, ये बसेस में जो है फ्री ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स को, वुमेन्स को, ट्रांसजेंडर को, सारी एज ग्रुप्स की. ओके, ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है 9 दिसंबर 2023 से. ओके, नेक्स्ट वन है नीति आयोग रिलीज फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का जो रैंकिंग है वो नीति आयोग द्वारा रिलीज किया है. ये पहला डेल्टा रैंकिंग जो है वो नीति आयोग द्वारा अनाउंस किया गया है. ओके, सो इसमें रैंक किया है तिरयानी ब्लॉक ने फर्स्ट, जो कि तेलंगाना का है, एंड सेकेंड है कुशाम्बी ब्लॉक जो कि उत्तर प्रदेश का है. ओके, सो ABP रैंकिंग में फर्स्ट एंड सेकेंड आता है. फर्स्ट वन इज तिरयानी ब्लॉक जो कि आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है, एंड कुशाम्बी ब्लॉक जो है वो कुशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है ये फर्स्ट एंड सेकंड रैंकिंग. नेक्स्ट वन देखते हैं, पीएम मोदी अनवील द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. सो मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है उसका अनावरण किया कहाँ पर, राजकोट फोर्ट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में. ओके, नेक्स्ट वन है यूपी म्युनिसिपैलिटी पास प्रपोजल टू रिनेम फिरोजाबाद एज अ चंद्रा नगर. सो यहाँ पे यूपी म्युनिसिपैलिटी जो है इन्होंने एक प्रपोजल पास किया है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद का नाम जो है वो रिनेम होना चाहिए एज अ चंद्रा नगर. ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया सोलर प्लांट बिल्डर रेज पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैज सील्ड MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड टू बिल्ड 500 मेगावाट सोलर पार्क इन उत्तराखंड. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि इंडिया का जो सोलर पावर प्लांट बिल्डर है रेज पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ जिसके तहत जो है 500 मेगावाट का सोलर पार्क जो है वो उत्तराखंड में बिल्डअप किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, कितने वॉट का सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा ये पूछा जा सकता है. दैट इज 500 मेगावाट. ओके, नेक्स्ट वन, अदानी ग्रीन एनर्जी रैंक सेकेंड लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर इन द ग्लोबल सोलर सेक्टर एनर्जी सेक्टर अकॉर्डिंग टू द मेरकॉम कैपिटल ग्रुप अनाउन एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट. सो मेरकॉम का जो कैपिटल ग्रुप का एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट जो रिसेंटली अनाउंस किया गया है जिसके तहत अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर जो है वो अनाउंस किया गया, रैंक किया गया इन द ग्लोबल सोलर एनर्जी सेक्टर. ओके, सो अदानी ग्रीन एनर्जी ने सेकेंड लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर, ये आपको ध्यान में रखना है, और किसके द्वारा इसे अनाउंस किया गया है, मेरकॉम कैपिटल ग्रुप एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट द्वारा अनाउंस किया गया है. ओके, नेक्स्ट है रीट्स लिमिटेड साइन अ पैक्ट विद द CFM मोजम्बिक्यू फॉर द सप्लाई ऑफ डीजल लोकोमोटिव एंड इंसिडेंटल सर्विसेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹314.1 करोड़. द पैक्ट हैज बीन साइन फॉर द सप्लाई ऑफ द 10 डीजल लोकोमोटिव. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 10 डीजल लोकोमोटिव्स को सप्लाई करने के लिए रीट्स लिमिटेड ने क्या किया है, CFM मोजम्बिक्यू के साथ जो है पार्टनरशिप जो है वो साइन की गई है. सो इसका जो अमाउंट साइन किया गया है दैट इज 314.1 करोड़ रुपीज. ओके, सो जिसके तहत डीजल लोकोमोटिव्स का एंड इंसिडेंटल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाएगी. ओके, सो ये
पैक्ट जो साइंड हुआ है इसके तहत 10 डीजल लोकोमोटिव्स को सप्लाई किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो किसके ने किसके साथ ये साइन किया ये ध्यान में रखना है, उसका टोटल कॉस्टिंग कितना है ये भी ध्यान में रखना है, एंड कितना डीजल लोकोमोटिव सप्लाई किया जाएगा ये भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च भागवत मन सरकार तोहाड़े द्वार स्कीम। ओके, सो पंजाब की गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम को लॉन्च किया है, भागवत मन सरकार तोहाड़े द्वार स्कीम। ओके, अंडर दिस स्कीम पीपल विल ऑफर 43 सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ द बर्थ, मैरिज, डेथ, इनकम, रेसिडेंस, रूरल एरिया, बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड एरिया, पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट एंड लैंड डिमार्केशन। सो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्कीम जो है ये किसने लॉन्च किया ये ध्यान में रखना है। सो ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, या फिर वो स्कीम का नाम भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत 43 सर्विसेज जो है वो डोर स्टेप में प्रोवाइड की जाने वाली, दैट इज भागवत मन सरकार तोहड़े दौर स्कीम। ओके, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके तहत कितनी सर्विसेज को जो है ऑफर किया जाएगा, दैट इज 43 सर्विसेज, वो कौन सी है मैंने आप लोगों को बताया। ओके, नेक्स्ट वन, उदयंती फाउंडेशन लॉन्च क्लोज द जेंडर गैप इनिशिएटिव फॉर द जेंडर इक्वालिटी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उदयंती फाउंडेशन जो है इन्होंने क्लोज द जेंडर गैप इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया है फॉर द जेंडर इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट वन है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप कर रही है पूरी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, टाटा पावर टाइज अप विद द इंडियन ऑयल टू सेट अप ओवर 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन में। ओके, कि टाटा पावर ने इंडियन ऑयल के साथ जो है वो टाई अप किया है जिसके तहत 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन को क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है, इंडियाज ई रिटेल मार्केट एस्टिमेटेड टू रीच ओवर $160 बिलियन बाय 2028। क्या बोला जा रहा है, इंडिया का जो ई रिटेल मार्केट है वो 2028 तक $160 बिलियन जो है वो रीच करेगा। ओके, क्रॉस करेगा। नेक्स्ट वन है, NHAI इंक्स पैक टू डेवलप अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट नागपुर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹673 करोड़। क्या बोला जा रहा है, NHAI ने जो है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है नागपुर में डेवलप करेगा जिसके लिए अमाउंट जो बताई जा रही है दैट इज ₹673 करोड़। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि अपकमिंग जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो नागपुर में आने वाला है एंड इसे NHAI डेवलप करेगा एंड अमाउंट है ₹673 करोड़। ओके, सो नेक्स्ट वन है, नेपाल इज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। क्या बोला जा रहा है कि नेपाल जो है वो साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री बना है जो कि सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करेगा। ओके, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अकरा घना। क्या बोला जा रहा है, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग का मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो अकरा घना में शेड्यूल किया गया है। ओके, सो वो कहाँ पर होगा, अकरा घना में होगा। ओके, नेक्स्ट वन है, 91st एडिशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली इज हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रिया। सो 91st एडिशन का इंटरपोल जनरल असेंबली का मीटिंग जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। ओके, नेक्स्ट वन है, अल्टेरा फंड फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्च बाय द यूएई। सो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए अल्टेरा फंड जो है वो बनाया गया है एंड इसे लॉन्च किया गया है यूएई द्वारा। सो रिसेंटली COP28 जो होस्ट किया था वो यूएई ने ही होस्ट किया था। सो उस दौरान जो है अल्टेरा फंड को जो है एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, जो कि एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अल्टेरा एम्स टू मोबिलाइज $250 बिलियन ग्लोबली बाय 2030 एस्पायरिंग टू बी द लार्जेस्ट फंड डेडिकेटेड टू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। सो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये लार्जेस्ट फंड जो है डेडिकेटली बनाया गया है। ओके, सो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये यूएई द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो इसके लिए जो अभी अमाउंट सैंक्शन की गई है रिसेंटली वो की गई है $30। ओके, इसे एस्टैब्लिश करने के लिए $30 जो है वो कमिट की गई है, लेकिन 2030 तक इनका टारगेट है कि वो $250 जो है वो हो जाए। ओके, समझ आया। नेक्स्ट, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग इंडिया रैंक 49th टॉप बाय द यूएस। क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई जिसमें इंडिया ने रैंक किया है 49th और यहाँ पर टॉप किया है यूएस ने। ये कौन रिलीज करता है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD हैज रिलीज इट्स 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग जिसमें यूएस ने टॉप किया है, ठीक है, एंड इंडिया ने 49th रैंक लाया है। सेकेंड रैंक पर है नेदरलैंड। ओके, थर्ड पर है सिंगापुर, फोर्थ पर है डेनमार्क,
ओके सो ये टॉप 4 रैंकिंग मैंने आप लोगों को बताई, इसी के साथ साथ इंडिया का रैंक मैंने आप लोगों को बताया जो आपको ध्यान में रखना है, कौन इसे रिलीज करता है ये भी मैंने आपको बताया, वो भी आपको इसमें ध्यान में रखना है. ओके फर्स्ट वन इज US, सेकेंड वन इज नेदरलैंड, थर्ड वन इज सिंगापुर, फोर्थ वन इज डेनमार्क एंड 49th इज इंडिया. ओके नेक्स्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA इनॉग्रेटेड इन जापान. ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो जापान में इनॉग्रेट किया गया. ओके श्रीलंका टू होस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस इन 2024. सो FAO का कॉन्फ्रेंस जो है वो श्रीलंका होस्ट करेगा 2024 में. ओके जर्मनी टू गिव 500 मिलियन यूरो फॉर बेंगलुरु मेट्रो एक्सपांशन. बेंगलुरु का जो मेट्रो एक्सपांशन है उसके लिए जर्मनी जो है वो 500 मिलियन यूरो जो है वो देने वाला है. इंडिया ADB साइन $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर उत्तराखंड पावर सिस्टम प्रोजेक्ट. उत्तराखंड के पावर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए इंडिया जो इंडिया एंड ADB है इसने 200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है. ओके उसके बाद है जेप्टो फाउंडर केविल वोहरा एंड अदित पालीचा टॉप हुरून इंडियाज लिस्ट ऑफ टॉप 100 अंडर 30. सो 30 साल के अंडर मतलब कि जो एज होती है उसके अंडर में टॉप 100 में रैंक करने वाले हैं जेप्टो के फाउंडर्स केविल्ला एंड आदित. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन है चाइना लॉन्च डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ. चाइना मार्क्स द फिजिकल लाइन माइलस्टोन विद द ऑपरेशनल डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी द वर्ल्ड डीपेस्ट लैब एट 2400 meters. वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोला जा रहा है. चाइना जो है इसने डीपेस्ट लैब सबसे गहरी प्रयोगशाला जो है वो अर्थ पर लॉन्च की है. ओके सो ये जो प्रयोगशाला है ये 2400 मीटर गहरी प्रयोगशाला जो है डीप अंडरग्राउंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी जो है ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है. ओके सो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शाहरुख खान ने टॉप किया है UK's 2023 साउथ एशियन सेलिब्रिटी लिस्ट में. फॉलोड हिम आलिया भट्ट बैक दी सेकेंड स्पॉट वाइल प्रियंका चोपड़ा वॉज इन थर्ड स्पॉट. UK 2023 का जो साउथ एशियन सेलिब्रिटी लिस्ट था इसमें शाहरुख खान ने टॉप किया है. सेकेंड पर आती है आलिया भट्ट एंड थर्ड पर रैंक करती है प्रियंका चोपड़ा. ओके नेक्स्ट वन है पीएम मोदी प्रपोज टू होस्ट COP 33 समिट इन इंडिया इन 2028. यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मोदी जी ने ऐसा प्रपोज किया है कि वो जो COP 33 का समिट जो है वो इंडिया में 2028 में होस्ट करेगा. ओके सो ये अनाउंस किया गया था जब COP 28 का रिसेंटली समिट हुआ है, आप सभी को पता है दुबई में, उस दौरान इसे अनाउंस किया गया है. एंड उसके साथ साथ मोदी जी ने क्या चीज़ें और भी बताई है. ड्यूरिंग द COP 28 एड्रेस इन दुबई मोदी जी सेड India's goal is to reduce emission intensity by 45% till 2030. So, जो emission intensity है उसे reduce करने के लिए जो है announce किया है by the 45% till 2030 and India has also decided to increase the share of the non-fossil fuel to 50%. Okay, next one. ITC Limited has surpassed British American Tobacco to become world third most valuable tobacco company with the market capitalization of $68.6 billion. Okay, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ITC ने British American Tobacco कंपनी जो है BAT इसे सरपास किया है एंड वो बना है वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल टबैको कंपनी जिसने 68.6 billion का मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है. ओके नेक्स्ट वन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड कृष्णवेन्नी संगीता निरंजनम एट तुमालापल्ली कलक्षेत्रम इन विजयवाड़ा. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारी जो फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इन्होंने विजयवाड़ा में कृष्णवेन्नी संगीता निरंजनम जो है इसे इनॉग्रेट किया है. कहाँ पर किया है, तुमालापल्ली कलाक्षेत्रम में इसे इनॉग्रेट किया है. ओके नेक्स्ट वन इंडिया प्लान्स टू रोल आउट 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2027 विद जॉइंट फंडिंग फ्रॉम द US. इंडिया प्लान कर रहा है वो 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 2027 तक जो है वो रोल आउट करेगा जिसके लिए वो फंडिंग ले रहा है US से. ओके नेक्स्ट वन है द फंडिंग अरेंजमेंट इंक्लूड्स $150 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द US गवर्नमेंट एंड फिलेंथ्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड $240 मिलियन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, US गवर्नमेंट से इसके लिए $150 मिलियन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किए गए एंड इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है वो $240 मिलियन जो है वो लगाए जा रहे हैं. ओके देन है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस
पैट मित्रो एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स। सो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है पैट मित्रो एप्लीकेशन किसके लिए, फार्मर्स के लिए। ओके नेक्स्ट वन है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन इज सेट टू बी चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं अपकमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के। ओके सो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है डेनमार्क इंट्रोड्यूस ग्रीन टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स फ्रॉम 2025। सो डेनमार्क ने जो है इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन टैक्स को जो कि एयर पैसेंजर्स के ऊपर लगाया जाएगा एंड ये लगाया जाएगा फ्रॉम द 2025। ओके नेक्स्ट वन है सूरत एयरपोर्ट ज्वाइन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूरत एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिस्ट में जो है वो ज्वाइन हो चुका है, अब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज टू बी सेटअप इन तेलंगाना। सो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। 58 एयरपोर्ट कवर अंडर द कृषि उड़ान स्कीम। क्या बोला जा रहा है, 50 एयरपोर्ट्स को कृषि उड़ान स्कीम में जो है कवर्ड किया जा रहा है। अब वो 58 एयरपोर्ट्स में जो है 25 एयरपोर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न एयरपोर्ट्स है, हिली एंड ट्राइबल रीजन से बिलोंग करते हैं एंड 33 जो है वो अदर रीजन के एयरपोर्ट्स हैं। ओके सो कृषि उड़ान स्कीम के अंडर में 58 एयरपोर्ट्स को कवर अप किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके देन है पीयूष गोयल रिलीज लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023। सो पीयूष गोयल ने लीड्स 2023 को रिलीज किया है। लीड्स का फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ओके देन इंडियन ADB साइन अ $250 million लोन फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए जो है इंडिया ने ADB ने $250 million का लोन जो है वो साइन किया है। इंडिया साइन द MOU विद ADB $250 million फॉर द दिल्ली मेरिट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सो IRTS के लिए जो है इंडिया एंड ADB ने अगेन $250 million का लोन जो है वो साइन किया है, तो ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी फिगर्स वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मोस्टली उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। सो आप लोगों को क्या करना है, जो आपके फिगर्स वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको आपके पर्सनल जब आप एक पॉइंट्स बनाते हो या फिर नोट्स बनाते हो उसमें आप नोट डाउन कीजिए ताकि बिफोर एग्जामिनेशन आप उसे रिवाइज कर सके। करेक्ट सो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कभी भी फिगर्स में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ पॉइंट्स जो है जब भी आप एक सेशन देखते हो तो आपके पर्सनल नोट्स बनाने हैं, पर्सनलाइज नोट्स, जिसमें भी आपको दिक्कत जाती है, जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा है एंड इसमें मुझे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है एंड मुझे अगर इसे रिविजन करना है तो मैं किस तरीके से करूँ, तो एक पर्सनलाइज अगर आप पॉइंट्स बना लोगे जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होता है, जो फिगर्स वाले स्पेशली पॉइंट्स होते हैं वो सारे आप लोगों को क्विकली क्विक शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालिए तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एग्जामिनेशन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ओके नेक्स्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड साथी पोर्टल विद IIT कानपुर। सो IIT कानपुर के साथ मिलकर साथी पोर्टल को स्टार्ट किया गया। साथी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है साथी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन हैदराबाद रैंक फर्स्ट इन द फूड अडल्ट्रेशन केसेस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022। सो हैदराबाद जो है NCRB की रिपोर्ट रिलीज हुई 2022 की, उस दौरान ये पता चला है कि हैदराबाद जो है वो फर्स्ट रैंक कर रहा है इन द फूड अडल्ट्रेशन केसेस में। ओके इसमें सेकंड पर आता है हैदराबाद। ओके ये ध्यान में रखना है, NCRB ने रिसेंटली जो है रिलीज किया है। ओके उस दौरान हैदराबाद टॉप करता है फूड अडल्ट्रेशन केसेस में एंड सेकेंड आता है आंध्र प्रदेश। ओके नेक्स्ट वन है इंडिगो बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 million पैसेंजर्स इन अ ईयर। सो पहला इंडियन एयरलाइन इंडिगो जो है वो बना है 100 million पैसेंजर्स को, जिसने पूरे साल भर में जो है कैरी किया है एंड ट्रैवल करवाया है। ओके नेक्स्ट है NHAI लॉन्च ERS मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द स्विफ्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ओके सो NHAI जो है इसने ERS मोबाइल एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है फॉर द स्विफ्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज को। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट टू बूस्ट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम 7480 मेगावाट टू 22480 मेगावाट बाय 2032। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बूस्टअप कर रहा है। सो 7480 मेगावाट से वो 22480 मेगावाट कैपेसिटी को वो बूस्ट करेगा बाय द ईयर 2032, ये ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फॉरम बुद्ध गया में। ओके नेक्स्ट वन है मणिपुर इनिशिएट सांस कैंपियन टू
काउंटरैक्ट निमोनिया। मणिपुर ने इनिशिएट किया है सांस इस कैंपेन को। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है द फिफ्थ एडिशन ऑफ लीड्स 2023 प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू अ एनहांसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए गाइस, मैंने लीड्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, उसका हम लोगों ने फुल फॉर्म डिस्कस किया था, एंड आप लोगों को मैंने बताया कि पीयूष गोयल ने रिसेंटली जो है इसे अनाउंस किया था, करेक्ट। सो इसका फुल फॉर्म मैंने कहा था आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि इस साल का जो एडिशन था वो फिफ्थ एडिशन था। सो फिफ्थ एडिशन जो था लीड्स 2023 का, ये क्या करता है, ये स्टेट्स एंड जो यूनियन टेरिटरीज जो होती है इसमें लॉजिस्टिक का जो प्रदर्शन है उसके बढ़ाने के लिए जो है जानकारी प्रदान करता है। ओके, इट फोकसेस ऑन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एम्पावरिंग गवर्नमेंट विद द रीजन स्पेसिफिक इनसाइट फॉर इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। सो क्या बोला जा रहा है, ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पर ध्यान जो है वो केंद्रित करता है। ओके, सो ये जो लीड्स 2023 है इसमें अगर मैं बात करूँ हाईलाइट्स की, ठीक है, सो कोस्टल एरियाज, लैंडलॉक ग्रुप, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप एंड यूनियन टेरिटरीज, इस तरीके के कुछ ग्रुप्स जो है वो बनाए गए। सो कोस्टल ग्रुप्स में अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स, उसमें भी रैंकिंग की गई है। सो यहाँ पे मैंने वो मेंशन किया है, अगर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है तो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि लीड्स 2023 जो है ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का जो लॉजिस्टिक का जो प्रदर्शन होता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसका बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है उसके बारे में जो है इसमें डिस्कस किया गया था। ओके, सो कोस्टल ग्रुप्स में अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स कौन है, लैंडलॉक ग्रुप में अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायरर्स कौन है, देन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में कौन है एंड यूनियन टेरिटरीज में कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। आप इधर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो और ई बुक में तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो ये परफॉर्मेंस हाईलाइट्स फ्रॉम द लीड्स 2023 इन द डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ था वो कम्प्लीटली कवर अप होता है। अभी यहाँ पे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। टोटल GST रेवेन्यू 1.68 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। सो GST रेवेन्यू जो आया है नवंबर मंथ का वो 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ आया है। मैंने इसके प्रीवियस मंथ का जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था अक्टूबर मंथ का, उसमें मैंने आपको फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर मंथ सारा GST रेवेन्यू बताया था। यहाँ पे नवंबर मंथ का दिया है एंड काफी बार GST रेवेन्यू मंथ का कितना था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आप सभी ने अक्टूबर का अगर सेशन देखा होगा तो आप सभी को पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अक्टूबर मंथ के सेशन से जो है बाकी सारे मंथ के अगर आपको GST पता करना है तो आप पता कर सकते हो। ओके, वैसे अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो और वहां पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो प्रीवियस सिक्स मंथ का जनरल अवेयरनेस, मतलब ही करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एग्जाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर करना होता है, करेक्ट। अगर बैंकिंग का एग्जामिनेशन नहीं है तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो प्रीवियस सिक्स मंथ का आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाओगे तो आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो मैंने सारे मंथ के सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किए, ईच एंड एवरी सेशन को आपको गो थ्रू करना है। ओके, एंड सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे फॉलो कीजिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। SEBI is announced to extend the timeline of implementation of SEBI complaint redressal platform. क्या बोला गया है कि SEBI जो है अपनी SEBI complaint redressal जो है इसकी timeline जो है वो implement करने वाला था। Okay, कब करने वाला था, December 4, 2023 में। ओके, लेकिन इसी को उसने एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो जो SEBI कंप्लेंट रिड्रेसल का जो प्लेटफॉर्म है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये ऑपरेट होने वाला था फ्रॉम द December 4, 2023, लेकिन अब वो एक्सटेंड हो चुका है, अब वो ऑपरेट होगा, मतलब इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा SEBI की टाइमलाइन को फ्रॉम April 1, 2024। ओके, नेक्स्ट वन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर water.org टू ऑफर सैनिटेशन लोन। सो सैनिटेशन लोन को ऑफर करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने water.org के साथ जो है पार्टनरशिप साइन किया है। ओके, water.org विल प्रोवाइड अ टेक्निकल असिस्टेंस, मार्केट असेसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सपोर्ट। ओके, सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो पार्टनरशिप किया है water.org के साथ किया है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करता है लोगों को सेफ वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके तहत एंड इसे स्मॉल लोन्स को फाइनेंस भी किया जाएगा थ्रू दिस पार्टनरशिप। ओके,
नेक्स्ट वन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैव एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. सो यहाँ पे एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ. ओके, नेक्स्ट वन, कांचन देवी फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ डून बेस इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कांचन देवी जो है वो पहली डीजी बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ डून बेस इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की. यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आया है, आई होप आपको इसे कंसिडर करना है. दैट्स इट, और कंटिन्यू करते हैं हमारा बैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट. भारतीय एयरटेल जो है वो 8th कंपनी बना है, इसने सरपास किया है 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल. ये ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, देन इंडिया सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ऐसा किसने बोला है, S&P ने बोला है. ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर विद एक्सेंचर फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप साइन किए, एक्सेंचर के साथ. ठीक है, नेक्स्ट वन, SBI साइन 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद KfW फॉर द सोलर प्रोजेक्ट. अगेन ये हमने डिस्कस किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 मिलियन यूरो का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो KfW के साथ जो है वो साइन किया है फॉर द सोलर प्रोजेक्ट के लिए. 70 मिलियन यूरो विच इज इक्वल टू 630 करोड़ रुपीज. ठीक है, सो इतना लाइन ऑफ क्रेडिट जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ जो है साइन किया गया है, जिसके तहत सोलर प्रोजेक्ट्स को जो है प्रमोट किया जाएगा इन दी कंट्री. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है लाइसेंस कोल्हापुर बेस्ड शंकर राव पुजारी नूतन नागरिक नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड जो कि इचलकरंजी में है. ओके, सो इसका लाइसेंस जो है RBI द्वारा कैंसिल किया गया. नेक्स्ट वन है, RBI कैंसिल द लाइसेंस ऑफ शंकर राव पुजारी बैंक इन महाराष्ट्र. सेम ही पॉइंट है. ओके, शंकर राव पुजारी बैंक जो है कोल्हापुर बेस्ड बैंक है जो कि इचलकरंजी में है, जिसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है. RBI कैंसिल द लाइसेंस ऑफ सीतापुर बेस्ड अर्बन कॉरपोरेट बैंक. सीतापुर बेस्ड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसका भी लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है. नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, UPI ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज टू बी हाइक 2-5 लाख रुपीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं आपको कहना बताना चाहती हूँ, इससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है कि मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज का जो UPI का ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपीज कर दिया गया है. एग्जिस्टिंग कितना था ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. एग्जिस्टिंग तो था जो कि था 1 लाख रुपीज. ठीक है, सो प्रीवियस 1 लाख था हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस सेक्टर का UPI का ट्रांजैक्शन लिमिट, अब वो 5 लाख कर दिया गया है. ओके, ये समझ आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल मार्केट कलेक्शन इंश्योरेंस एंड फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 2 लाख है. ठीक है, उसके बाद IPO रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स का UPI का ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 5 लाख रुपीज है. ओके, ये ध्यान में रखना है. ओके, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं UPI के ट्रांजैक्शन लिमिट के सारे आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. मेडिकल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज का 5 लाख रुपीज़ हो गया है 1 लाख से. इसके अलावा मार्केट कैपिटल कलेक्शन इंश्योरेंस एंड फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंसेज जो है उनका हाईएस्ट ट्रांजैक्शन लिमिट है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ है. उसके बाद IPO रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स द UPI ट्रांजैक्शन लिमिट इज नाउ इंक्रीज टू 5 लाख पर ट्रांजैक्शन. ओके, नेक्स्ट वन, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस बिकेम द ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस. अब पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस जो है वो ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट मेकओवर बिकमिंग ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस पोस्ट एक्विजिशन बाय द TPG कैपिटल एशिया होल्डिंग 99.02 इक्विटी स्टेक. पूनावाला ने क्या किया है, TPG कैपिटल एशिया का 99.02% स्टेक जो है वो एक्वायर किया, उसके बाद उसने खुद को ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस जो है वो घोषित किया. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट है यू ग्रो कैपिटल ज्वाइन हैंड्स विद द लघु उद्योग भारती टू एम्पावर MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एम्पावर करने के लिए. यू ग्रो कैपिटल ने क्या किया है, लघु उद्योग भारती के साथ जो है अपना पार्टनरशिप साइन किया है. आफ्टर दैट है इंटेलेक्ट साइन 80 करोड़ डील विद इंडियन बैंक टू डिप्लॉय कैश मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, इंटेलेक्ट ने 80 करोड़ का डील इंडियन बैंक के साथ साइन किया है, जिसके तहत कैश मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन एक्सचेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड ट्रेड्स थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. क्या बोला जा रहा है, RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है. ठीक है, जिसके तहत जो है
बॉन्ड ट्रेड्स की जो सेटलमेंट्स होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन को वो एक्सचेंज करेगा थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. समझ आया? नेक्स्ट वन है इंडियन बैंक इंक्रीज देयर ओवरसीज प्रेजेंस टू 417 इन 2022-23 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्वे. सो आरबीआई के सर्वे के अनुसार इंडियन बैंक ने इंक्रीज किया है 417 ओवरसीज का प्रेजेंस 2022-23 में. ओके, सो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑल्सो रोज बाय 0.5% टू 6.2% फॉर द फॉरन ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज रिस्पेक्टिवली. हाउ वेयर द नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड एम्प्लॉयज ऑफ द फॉरन बैंक इन इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड टू 774. आपको इस बात से समझ आया क्या क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय का जो स्ट्रेंथ है ठीक है फॉरन ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज में वो 0.5% से भी 6.2% हो गया है. वही अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड एम्प्लॉयज जो भी फॉरन बैंक्स के हैं इंडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं 774. मतलब कि इंडिया टू फॉरेन का जो है वो बड़ा है, वही फॉरेन टू इंडिया का जो है वो कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये आपको समझना है. ओके, सो ओवरसीज प्रेजेंस जो है इंडियन बैंक का इंक्रीज हुआ है टू 417, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आरबीआई के सर्वे के अनुसार. ओके, आईवीज पार्टनर विद आईसीआईसीआई बैंक टू बूस्ट सिक्योरिटी विद एडवांस ई सर्विलियंस सर्विसेस. सो आईवीज ने पार्टनरशिप किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ जिसके तहत ई सर्विलियंस सर्विसेस को और भी ज्यादा एडवांस किया जाएगा और सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बूस्टअप किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन है एसबीआई टू एक्वायर 20% स्टेक इन एसबीआई पेंशन फंड फॉर ₹230 करोड़. क्या किया है एसबीआई ने? एसबीआई पेंशन फंड का 20% स्टेक को एक्वायर किया है 230 करोड़ रुपीस में, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, एक्विजिशन विच विल बी कंप्लीटेड बाय डिसंबर 15 फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 229.52 करोड़, ये एग्जैक्ट अमाउंट है, अप्रोक्सीमेट 230 करोड़ मैंने आपको बताई. ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को. नेक्स्ट है आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुआ दिसंबर 2023 उसके अनुसार पॉलिसी रेट्स आपको ध्यान में रखना है. अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, अगर पॉलिसी रेट्स पूछे गए तो आपको पता होने चाहिए. अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं हर एक सेशन में या फिर मेरे प्रीवियस सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको पॉलिसी रेट्स ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ लेकिन बिफोर एग्जामिनेशन आरबीआई की साइट पर जाके सारे अपडेटेड पॉलिसी रेट्स को रिवाइज करके एग्जामिनेशन में जाना है. ओके, सो रेपो रेट है 6.5, एसडीएफए स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75, बैंक रेट है 6.75, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, इसके अलावा सीआरआर है 4.5% एंड एसएलआर है 18%. ओके, सो ये दिसंबर 2023 का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनुसार जो पॉलिसी रेट्स अनाउंस किए गए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको ध्यान में रखना है. बढ़ते हैं आगे, ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कमिटी, जिस तरीके से हमारी मीटिंग्स होती है उस हिसाब से. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का. आरबीआई ऑथराइजेस बंधन बैंक टू डिसबर्स पेंशन टू रेलवे एम्प्लॉयज. ओके, सो आरबीआई क्या कर रहा है, बंधन बैंक को जो है रेलवे एम्प्लॉयज को पेंशन जो है वो थ्रू बंधन बैंक जाएगा, ऐसा आरबीआई ने जो है अनाउंस किया है. ओके, कोटक महिंद्रा बैंक पार्टनर विद आईआईटी कानपुर टू लॉन्च कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी. क्या बोला जा रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके तहत कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया जाएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्वेस्टेड 49.99 करोड़ रुपीज इन कैनपैक ट्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिंग 6.35% ओनरशिप. सो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6.35% का ओनरशिप जो है कैनपैक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड का अक्वायर किया है जिसके लिए उन्होंने 49.99 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं. आफ्टर दैट है गवर्नमेंट लॉन्च सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स 23-24 विद द डिजिटल अकाउंट्स. ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 विद डिजिटल डिस्काउंट लॉन्च किया है. ओके, सो द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड शैल बी 6,199 पर ग्राम पब्लिश बाई द आरबीआई. The government of India in consultation with the RBI has decided to allow the discount of rupees 50 per gram for the issue price of those investors who apply online and payment is made through the digital mode. For such investor, the issue price of the gold bond will be 6149 per gram gold. देखिए क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक डिजिटल डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो वो डिजिटल डिस्काउंट कैसा है कि अगर
सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को डिजिटली ऑनलाइन परचेज किया जाएगा और उसको डिजिटल मोड से उसका पेमेंट किया जाएगा, तो पर ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। यही आपको ध्यान में रखना है। सो विदाउट डिस्काउंट जो प्राइस होगा दैट इज 6199 एंड विद डिस्काउंट जो प्राइस होगा दैट इज 6149। बट आप लोगों को अभी गोल्ड की प्राइजेस जो है वो चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंगली जो प्राइजेस है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो डिजिटल डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है वो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, विच इज 50 रुपीज। करेक्ट। नेक्स्ट, अनक्लेम डिपॉजिट इन इंडियन बैंक रोज बाय 28% एट ₹42K करोड़ इन 2023। क्या बोला जा रहा है, अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो इंडियन बैंक्स में बढ़ा दिया गया है 28% से। ओके, नेक्स्ट वन है RBL बैंक इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन NESL प्लेटफॉर्म। तो RBL बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इंट्रोड्यूस किया है। ये एलिमिनेट करता है फिजिकल साइनिंग स्टैम्पिंग प्रोसेस को एंड ये डिजिटल फॉर्मेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है। ओके, सो RBL बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। सो अपॉइंटमेंट को हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पोजिशन के लिए जो है उसे अपॉइंट किया गया है, कुछ रेजिग्नेशन एंड कुछ ब्रांड एम्बेसडर, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्विकली मैं रीड करूंगी और आप लोगों को सारे ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो फर्स्ट वन है नारायण शेषाद्री अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ IDRCL इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। देन है कैप्टन गीतिका कॉल बिकम फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉय एट सियाचिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर है ये अपॉइंट हुई है गीतिका कॉल। ओके, वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नावल स्टाफ। नावल स्टाफ के वाइस चेयरमैन बने हैं एडमायरल दिनेश त्रिपाठी। देन है दीवान पारेख अपॉइंटेड एज अ IDFC बोर्ड। सो IDFC बोर्ड के लिए अपॉइंट किया गया है दीवान पारेख को। ओके, अक्षता कृष्णमूर्ति बिकेम्स फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अक्षता कृष्णमूर्ति जो है वो पहली इंडियन है जो कि मार्स रोवर को क्या करने वाली है, ऑपरेट करने वाली है। ओके, जितेश जॉन टुक चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के ED बने हैं जितेश जॉन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट राजीव आनंद एज अ चेयरमैन। आनंद कृपालू अपॉइंट CEO ऑफ द स्विगी इंडिया। इंडियन ओरिजिन समीर शाह अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ PBC बोर्ड ब्रिटिश बोर्ड ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बोर्ड। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 अपॉइंट UAE मोहम्मद अल राम सी एज अ चेयरमैन। ओके, अनिल शाह टेक्स ओवर एज अ फिक्की President for 23-24, Donald Tusk elected as a PM of Poland, Tripura appointed Ganguly as its tourism brand ambassador, Parama Sen appointed as part-time member of Pension Fund Regulatory and Development Authority Board, Sangram Singh appointed as a CEO of Indifi Technologies, Aditya Jairaj appointed CNMD of Stellantis at India, India Uma Sekar elected Governing Council of International Institute for Unification of Private Law. ओके, इंडिया की उमा शेखर जो है उसे इलेक्ट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। मनीषा पाधी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन ADC ऑफ इंडिया। ओके, मनीषा पाधी जो है वो पहली वीमेन ADC ऑफ इंडिया की जो है अपॉइंट हुई है एडाइड दे कैंप। नेक्स्ट वन है संजय सिंह बिकेम्स न्यू प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं संजय सिंह। अमृता रायचंद नेम्ड हेल्थ एम्बेसडर फॉर द सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। प्रमोद शर्मा अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड संदीप बत्रा रिअपॉइंटेड एज अ ED ऑफ ICICI बैंक। सो अपॉइंटमेंट जो थी बहुत क्विकली हम लोगों ने डिस्कस की। आप लोगों को ये सारी अपॉइंटमेंट सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अवार्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है जो भी अवार्ड जिसे दिया गया, कौन सा दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा अवार्ड्स है। सबसे पहला अवार्ड देखते हैं VR ललित अंबिका वॉज कॉन्फर्ड विद द टॉप फ्रेंच सिविलियन अवार्ड लेजेंड द ऑनर। बोला जा रहा है यहाँ पे VR ललित अंबिका को जो फ्रांस का सिविलियन ऑनर जो है लेजेंड दी ऑनर इससे सम्मानित किया गया। ओके, उसकी बात है अर्शिया सत्तर हैज़ रिसेंटली बिन ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अर्शिया को जो है
सम्मानित किया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इस अवार्ड से. ओके, देन है प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू टू कॉन्फर प्रेसिडेंट कलर्स टू आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे. सो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड जो है इसे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को सम्मानित किया है. ओके, सो प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड इस साल दिया है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को. ओके, अब्दुल्लाई माइर विंस 2023 UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड. सो अब्दुल्लाई माइर जो एक सोमाली रेफ्यूजी है, इन्हें 2023 का UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया. ओके, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट की है फॉर द डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन एंड यूथ इन केनिया, के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए एंड उनके लिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट की है. सो इसीलिए उन्हें इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है. ओके, नेक्स्ट वन है रणवीर सिंह ऑनर बाय द शैरन स्टोन एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल. सो रेड सी फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो है रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है शैरन स्टोन से. एक ओके, नेक्स्ट वन है इंडिया सेफीना हुसैन ऑनर विद द कतार वाइस प्राइज 2023. इंडिया की जो सेफीना हुसैन है उन्हें सम्मानित किया गया है कतार वाइस प्राइज 2023 से. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बैग ISSA विजन जीरो 2023 अवार्ड एट द 23rd वर्ल्ड कांग्रेस. ओके, सो 23rd वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान जो है ISSA विजन जीरो 2023 का अवार्ड जो है वो ESIC ने जो है वो जीता है. ओके, आफ्टर दैट है अमेजॉन इंडिया वन द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट विज्ञान भवन ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के दिन जो है अमेजॉन इंडिया ने नेशनल अवार्ड जो है वो जीता है फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज. सो उसको उस वजह से जो है मुर्मू जी द्वारा जो है ये अमेजॉन इंडिया को नेशनल अवार्ड जो है दिया गया. ओके, नेक्स्ट वन है ओलंपियन एम श्री शंकर क्लिंस 35th जीमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड फॉर एमर्जिंग एज द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द केरला. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओलंपियन जो एम श्री शंकर है इन्होंने 35th जीमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड जो है वो जीता है एंड इनको ये जो अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरला के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है. नेक्स्ट वन है जेसन मोमोआज डीप राइजिंग मूवी वन ALT ऑल लिविंग थिंग एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल. सो जेसन मोमोआज की जो डीप राइजिंग मूवी है इन्होंने ALT एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें जीत हासिल की है. ओके, सो जेसन मोमोआ की डीप राइजिंग मूवी ने जो है जीत हासिल की है इन दी ALT एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल. ओके, देन है इसरो एंड चंद्रयान 3 टीम वर रिसेंटली ऑनर विद द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड एट द 19th इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड हेल्ड इन मुंबई. सो मुंबई में जो इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड जो है 19th एडिशन के उस दौरान जो है इसरो एंड चंद्रयान 3 को जो है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया से जो है नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. फिनलैंड अवार्डेड 2023 इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज टू द अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर. फिनलैंड ने क्या किया है, 2023 का इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज जो है वो अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को जो है वो दिया है. ओके, नेक्स्ट वन है जावेद अख्तर विल रिसीव द पद्मापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल. द फेस्टिवल 9th एडिशन विल ऑनर अख्तर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सो जावेद अख्तर को जो है पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो है उन्हें दिया गया एंड उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है. एंड ये जो एडिशन था ये 9th एडिशन था एंड उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया. ओके, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ऑनर विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023. सो फॉर्मर सेक्रेटरी जो है बैन की मून इन्हें दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया. इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हेमा चंद्रन रवि कुमार ऑनर विद द कर्मवीर चक्र मेडल 2023. सो इंडियन साइंटिस्ट है ये डॉक्टर हेमा चंद्रन रवि किरण, इन्हें जो है कर्मवीर चक्र मेडल से जो है सम्मानित किया गया है. इन्हें 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड दिए गए, एक है कर्मवीर चक्र मेडल एंड सेकेंड इज रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप. ओके, सो ये सेरेमनी न्यू दिल्ली में उस दौरान इन्हें ये 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो दिए गए. बीबीजी फाउंडेशन बिकम विनर ऑफ द तेलंगाना बिजनेस अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम. सो बीबीजी फाउंडेशन जो है ये विनर बना है तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स में फॉर द
गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। सो बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखा है गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम में, इसलिए बीबीजी फाउंडेशन को जो है तेलंगाना बिजनेस अवार्ड में जो है इन्होंने जीत हासिल की है। ओके, अली अबू अवार्ड ऑड एंड डेनाइल बैरन बॉयम वन इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो अली अबू अवार्ड एंड डेनियल बैरन बॉयम जो है इन्हें दिया गया। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज पूछा जा सकता है, डेनियल एंड अली अबू को जो है दिया गया। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्रा वॉज ऑनर विद द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटका। सो चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड कर्नाटका जो है वो बिपिन चंद्रा को जो है इससे सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई हैज़ नॉमिनेटेड इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी फॉर द अर्जुना अवार्ड, एंड इन्हें पहले नॉमिनेट किया गया था एंड इन्हें इस साल का अर्जुना अवार्ड दिया भी गया है, ये रिसेंट की न्यूज़ है। ओके, फर्स्ट बीसीसीआई ने इसे नॉमिनेट किया था क्योंकि इन्होंने हाइएस्ट विकेट्स लिए थी इस साल के, हमारा जो क्रिकेट हुआ है उस दौरान ने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं, तो बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया था अर्जुना अवार्ड के लिए एंड इन्हें इस साल का अर्जुना अवार्ड मिला भी है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैं लिस्ट आगे बताने वाली हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस साल के अर्जुना अवार्ड्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में। सैम अल्टमैन नेम्ड टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2023। तो सैम अल्टमैन जो है वो टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2023 के लिए इनका नाम जो है वो आया है और ये बने हैं टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2023। ओके, देन है शेरिंग ताशी अभुटानीज नोवा लिस्ट हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेमचंद फेलोशिप बाय द साहित्य एकेडमी। सो साहित्य एकेडमी द्वारा जो है शेरिंग ताशी जो है ये एक भूटानीज नोवेलिस्ट है, इन्हें अवार्ड दिया गया है। ओके, निखिल दे नेम्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाई द US गवर्नमेंट। ओके, तो निखिल डे जो है ये को फाउंडर है मजेदार किसान शक्ति संगठन के। ओके, ये एक राजस्थान बेस्ड फाउंडे ऑर्गेनाइजेशन है। सो इन्हें इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन जो है इससे इन्हें नवाजा गया है US गवर्नमेंट द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन है वेटनर एक्टर कबीर बेदी अवार्डेड इटलीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ये ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कबीर बेदी को इटली का जो हाईएस्ट ऑनर है उसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन है 33rd वैस सम्मान टू बी कॉन्फर्ड टू हिंदी राइटर पुष्पा भारती। सो पुष्पा भारती एक हिंदी राइटर है, इन्हें 33rd वैस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, अवार्ड्स को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट अवार्ड जो है वो है इंडियन ओरिजिन नोवेलिस्ट मीरा चंद रिसीव सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड। सो इंडियन ओरिजिन नोवेलिस्ट जो है मीराचंद, इन्होंने सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। सिंगापुर रिसेंटली बिस्टॉ इट्स प्रेस्टिजियस कल्चरल मेडल ऑन अपॉन 3 डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइजिंग देयर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन रिच आर्ट्स एंड कल्चर। अमंग देम मीरा चंद जो थी 81 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन राइटर शेयर हिज एस्टीम अकॉलेड विद द नोवेलिस्ट सुचान क्रिस्टियन लिम एंड मेले डांस वेटरन ओस्मान अब्दुल हमीद। सो ये 3 लोगों को टोटल जो है अवार्ड दिए गए हैं, जिसकी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, उसमें से मीरा चंद जो है वो इंडियन है। ओके, उसके अलावा सुचान को दिया गया है। ओके, एंड मले डांस के जो दिग्गज है उस्मान अब्दुल हामिद, इन्हें भी इससे सम्मानित किया गया है। समझ आप लोगों को, ठीक है। सो हमारी इंडियन की जो है वो लेखिका है मीरा चंद, जिसे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड सुचैन जो है वो एक नोवेलिस्ट है एंड ये जो उस्मान है ये एक डांसर है। ओके, सो इन तीनों को जो है सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड जो है वो दिया गया। ओके, समझ आया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लियोनेल मेसी हैज़ बिन नेम्ड एज अ टाइम मैगजीन एथलेट ऑफ द ईयर 2023। सो लियोनेल मेसी ने जो है टाइम मैगजीन एथलेट ऑफ द ईयर 2023 का जो है इनमें इन्होंने टॉप किया है एंड इनका जो है नाम जो है वो आया है। ओके, नेक्स्ट वन है बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 हैज़ अचीव ग्लोबल एक्लेम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। सो ये ध्यान में रखना है, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल का अवार्ड जो है वो कौन सा एयरपोर्ट जो है ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T2, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजोल
मैनी क्राउन मिस इंडिया यूएसए 2023। सो ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजोल जो है इन्हें मिस इंडिया यूएसए 2023 का क्राउन जो है इन्होंने रिसीव किया है। ओके, इसके अलावा सलोनी राम मोहन एंड स्नेहा नामबियन सिक्योर्ड मिस टीम एंड मिसेस इंडिया यूएसए टाइटल्स रिस्पेक्टिवली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिस टीम का मिला है सलोनी को एंड मिसेस इंडिया यूएसए टाइटल मिला है स्नेहा नामबियन को। ओके, नेक्स्ट वन, श्रीनिवास नाइक धरावत रिसीव विजनरी लीडर आइकन 2023 अवार्ड रिसीव। श्रीनिवास नाइक धरावत रिसीव विजनरी लीडर आइकन 2023 अवार्ड, ये दो बार रिपीट हुआ है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि विजनरी लीडर आइकन 2023 का दिया गया है श्रीनिवास नाइक धरावत को। ओके, नेक्स्ट वन है, इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी वन गोल्डन बेंगल टाइगर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट KIFF फेस्टिवल 29 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो 29th एडिशन का जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उस दौरान बेस्ट फिल्म के लिए जो है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ये एक इजरायली फिल्म है, इसे गोल्डन बेंगल टाइगर अवार्ड जो है वो दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ वेनिस जूनियल के डायरेक्टर जो है कार्लोस, इन्हें एज अ बेस्ट डायरेक्टर के लिए सम्मानित किया गया। स्पेशल जूरी का अवार्ड जो है वो अंजन दत्त को दिया गया चलचित्र एकून इसके लिए। उसके बाद गोल्डन रॉयल बेंगल टाइगर अवार्ड जो है वो दिया रजदीप पॉल को एंड शर्मिष्ठा मैती को। ओके, किस लिए दिया गया, फॉर मॉन पोटोंगो के लिए। ओके, सो ये आप लोगों को सारे जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना है। लास्ट है NETPAC अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन द एशियन सिलेक्ट सेक्शन टू ब्रोकन ड्रीम्स। ओके, सो NETPAC अवार्ड जो है वो बेस्ट फिल्म के लिए जो है ब्रोकन ड्रीम्स को दिया गया है। ओके, समझ आया। सो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ये एक इजरायली फिल्म है जिसे गोल्डन बेंगल टाइगर अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो भी मैंने बताया बेस्ट डायरेक्टर का, उसके बाद स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, उसके बाद गोल्डन रॉयल बेंगल टाइगर अवार्ड किसे दिया गया एंड NETPAC अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। ये 29 कोलकाता जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उस दौरान ये सारे अवार्ड जो है वो दिए गए और ये सारे इंपॉर्टेंट वन है। ओके, देन है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस वन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। सो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है इसने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड को जो है जीता है। INS शिवाजी रिसीव वीर चक्र ऑफ लेट वाइस एडमायरल बिनॉय चौधरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, INS शिवाजी जो है उन्होंने रिसीव किया है वीर चक्र ये अवार्ड को। ओके, सो इंडियन नेवी प्रीमियर मराइन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है INS शिवाजी, इसने रिसीव किया है वीर चक्र मेडल को एंड वीर चक्र मेडल जो है ये दिया गया लेट वाइस एडमायरल बिनॉय रॉय चौधरी को। ये एक ओनली टेक्निकल ऑफिसर थे इंडियन नेवी को जिनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट अवार्ड्स। अवार्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी भी अवार्ड्स कंटिन्यू हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है पूनम खेत्रीपाल सिंह जो है इन्हें भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्डन मेडल जो है वो अवार्ड दिया गया, इससे इसको सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है NTPC कांती रिसीव 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड 2023 फॉर द वाटर यूज एफिशिएंसी। सो NTPC कांती ने रिसीव किया है 11th एडिशन का फिक्की वाटर अवार्ड 2023 फॉर द वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट वन है IRADA CMD प्रदीप कुमार दास बैग द CMD ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर द मिनी रत्ना कैटेगरी एट द 13th PSC एक्सलेंस अवार्ड होस्टेड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इन न्यू दिल्ली। सो मिनी रत्ना कैटेगरी में CMD ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है IRADA के CMD प्रदीप कुमार को। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रयान 3 मून मिशन अर्न्स लेफ्ट एक्सन ल्यूनार प्राइज। सो चंद्रयान 3 का जो मून मिशन था इसने जीता है लेफ्ट एक्सन ल्यूनार प्राइज को। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस क्रॉम्पटन ग्रेवियंस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड CGCEL, ये ध्यान में रखना है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ओके, द ऑनर वॉज कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू इट्स बॉडी विच इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। सो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये जो CGCEL है इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से जो है सम्मानित किया। ओके,
सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया है यूनेस्को अनाउंस विनर ऑफ 2023 एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। सो इसमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया है, अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया गया है, अवार्ड फॉर द न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। सो यहाँ पे आपके सामने सारी लिस्ट है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पूछा गया तो वो रामबाग है जो कि पंजाब में सिचुएटेड है, रामबाग गेट्स एंड रैमपार्ट्स। देन अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो तीन जगह को दिया गया है, ओके, फैनलिंग गोल्फ कोर्स, ओके, जो कि चाइना का है, देन डोंगवान गार्डन जो कि अगेन चाइना का है, एंड कर्णिका मंडपम जो कि केरला में है, ओके। सो ये अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में आता है। देन अवार्ड ऑफ मेरिट है, देन स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड अवार्ड फॉर द न्यू डिज़ाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट है। तो ये सारे आप यूनेस्को ने जो एशिया पैसिफिक अवार्ड्स दिए गए हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन को, ये आप ध्यान में रख सकते हो गाइस। मैं आप लोगों को ई बुक में सारे प्रोवाइड करूंगी, आप वीडियो पॉज करके भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसमें इंडिया ने कौन से अवार्ड रिसीव किए स्पेशली वो ध्यान में रखना है। जैसे अवार्ड ऑफ मेरिट में अगर मैं बोलूँ तो बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली को अवार्ड दिया गया अवार्ड ऑफ मेरिट का। उसके बाद स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के दो है, एक नेपाल का है, वो आपको ध्यान में रखना है। सो स्पेशली इंडिया वाले भी ध्यान में रखना है, अदर वन भी ध्यान में रखना है, लेकिन इंडिया वाले तो स्पेशली ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये एक अलग कैटेगरी का अवार्ड था, समझ आप लोगों को, यूनेस्को ने अनाउंस किया था एशिया पैसिफिक अवार्ड्स किसके लिए, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के। सो ये अवार्ड्स एक डिफरेंट कैटेगरी था। इसके बाद एक डिफरेंट कैटेगरी है जो कि साहित्य अकेडमी, इसने एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 24 लैंग्वेजेस में अनाउंस किए, जिसमें 9 बुक्स ऑफ पोएट्री है, 6 नॉवेल्स है, 5 शॉर्ट स्टोरीज है, 3 एसेज है, एंड 1 लिटरेरी स्टडी है, जिन्होंने 2023 के अवार्ड्स को जीता है, ओके। सो ये जो हुआ, ये हुआ न्यू दिल्ली में, ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। अब वो पोएट्री कौन सी है, वो नॉवेल कौन से है, वो शॉर्ट स्टोरीज कौन सी है, वो एसे कौन से है, एंड वो लिटरेरी स्टडी कौन सी है, जिन्हें अवार्ड दिए गए वो टेबल में मेंशन है, ओके। सो ये जो साहित्य एकेडमी अनाउंस किए गए हैं, ये 24 लैंग्वेजेस में अनाउंस किए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें जो अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पोएट्री के लिए किसे दिया जाएगा, नॉवेल के लिए किसे दिया जाएगा, शॉर्ट स्टोरी के लिए किसे दिया जाएगा, एसे के लिए किसे दिया जाएगा, लिटरेरी स्टडी के लिए किसे दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो फंक्शन होने वाला है ये न्यू दिल्ली में 22 मार्च 2024 को होने वाला है, तो ये अवार्ड्स अभी देना बाकी है लेकिन अनाउंस कर दिए, ओके, समझ आया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्जुना अवार्ड जो है उसकी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। 26 अवार्ड जो है टोटल दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मोहम्मद शामी को ये अवार्ड जो है वो दिया जाने वाला है, ठीक है। उन्हें नॉमिनेट किया गया था एंड उन्हें इस साल का अर्जुन अवार्ड जो है वो मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का हाईएस्ट ऑनर होता है। इस साल कौन से लोगों को ये दिया जाने वाला है, किस कैटेगरी में दिया जाने वाला है, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ओके, समझ आया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस कैटेगरी। सो ये ध्यान में रखना है कि मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया गया, उन्हें हाईएस्ट विकेट्स कितने लिए हैं, 24 लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो डिफेंस कैटेगरी का अभी हम लोग हमारा सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट वन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी ने पहला एडिशन महासागर का लॉन्च किया है, ओके। इसका जो थीम था, दैट इज कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टूवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस, ओके। इसमें कौन से नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, ये भी ध्यान में रखना है। बांग्लादेश, कॉमोरोस, केनिया, मादागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजम्बिक, सीशेल्स, श्रीलंका एंड तांजानिया, ये सारी कंट्रीज ने, ये सारे नेशंस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अमृतसर होस्ट करेगा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर। देन जीआरएससी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे वेसल आईएनएस संदायक इंडियन नेवी को जो है डिलीवर कर रहा है, जिसकी हाई जो लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है ये आपको ध्यान में रखना है, 110 मीटर लॉन्ग वेसल है ये। इट इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 4 वे शिप्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द जीआरएससी फॉर द नेवी, मेकिंग अ क्रूशियल माइलस्टोन इन द इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ओके। सो इस कितना मीटर लॉन्ग है ये ध्यान में रखना है, 110 मीटर लॉन्ग है ये आईएनएस संदायक जो कि नेवी को डिलीवर किया जा रहा है, एंड इसे डेवलप किया है जीआरएससी ने गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा, ओके। नेक्स्ट वन है, इंडियन आर्मी कंडक्टेड टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर द असेन वुमेन पीस कीपर्स। इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रहा है टेबल टॉप एक्सरसाइज को, ठीक है।
After that, a fourth edition of joint military exercise WinBACS 2023 begins Hanoi, Vietnam. So, India and Vietnam का WinBACS जो ये 2023 है Hanoi, Vietnam में जो है ये फोर्थ एडिशन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुआ है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है 40th एडिशन ऑफ कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली. 40th एडिशन का कोस्ट गार्ड कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस 1614.89 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद माजागांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड. सो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को जो है वो दिया जाएगा. ठीक है. सो इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है माजागांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स के साथ. सो ये बिल्डअप करेगा एंड उसके लिए जो अमाउंट लगा रहा है दैट इज 1614.89 करोड़ रुपीज लगाए जा रहे हैं जिसके थ्रू 6 वेसल्स को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा. ओके, समझ आया. इंपॉर्टेंट है किसने किसके साथ पार्टनरशिप किया, उसके लिए कितना पैसा लगाया जा रहा है एंड कितने वेसल्स को डिलीवर किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वेस्ट इंडीज शेन डॉरविच अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेस्ट इंडीज प्लेयर जो है शेन डॉरविच, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया है. ठीक है. नेक्स्ट वन है वैशाली रमेश बाबू बिकम 84th ग्रैंड मास्टर. सो 84th ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू. नेक्स्ट वन है द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 वेर हेल्ड इन येरावन अर्मेनिया फ्रॉम 23 नवंबर टू 4th ऑफ दिसंबर. द इंडियन कॉन्टिजेंट वन 17th मेडल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड 9 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल एट द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो येरावन अर्मेनिया में हुआ है IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का, इसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, 3 गोल्ड 9 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल. ओके. चाइनाज निंगबो टू होस्ट वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग का चैंपियनशिप होस्ट करेगा चाइना के निंगबो में होस्ट होगा वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप. ओके. इटली वन एडमायरल कप 23 हेल्ड एट इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला. सो इंडिया की नेवल एकेडमी एजिमाला जो है वहाँ पे इटली जो है उसने जीता है एडमायरल कप 2023. ओके. नेक्स्ट है पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर बैटर असद शेफाक अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. सो पाकिस्तान के मिड ऑर्डर बैटर है असद शेफाक, जिन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया है. ओके. असद शफीक जो है वो पाकिस्तान के बैटर है. ओके. नेक्स्ट है लिएंडर पेस एंड विजय अमृत राज मेक्स इट टू द टेनिस हॉल ऑफ फेम. तो लिएंडर पेस एंड विजय अमृत राज जो है इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम की जगह इन्होंने यहाँ पे बनाई है. ओके. नेक्स्ट है विजय अमृत राज इज़ द फर्स्ट इंडियन मैन टू बी इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. ओके. सो इसी के साथ क्या बोला जा रहा है, ये जो विजय अमृत राज है जिन्होंने टेनिस हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई है, ये फर्स्ट एशियन मैन है जिन्होंने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है इन्हें इंडक्ट किया गया है. ओके. नेक्स्ट है इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामीज टू रिसीव प्रेस्टीजियस अर्जुन अवार्ड फॉर हिज सेंसेशनल परफॉर्मेंस इन 2023, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी अर्जुना अवार्ड की लिस्ट बताई है ऊपर. सो ये मोहम्मद शामी जो है वो इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जो है इस साल का रिसीव किया है. इन्होंने टोटल 24 विकेट्स लिए हैं इन जस्ट 7 इनिंग्स, जो 7 इनिंग्स जो इन्होंने 24 विकेट्स लिए है एंड ये ओनली क्रिकेटर है 26 एथलीट्स में से जिन्होंने अर्जुन अवार्ड इस साल का रिसीव किया है. ओके. समझ आया. ठीक है. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स को ही. हरियाणा टॉप KPIG 2023 मेडल टेबल 40 गोल्ड 39 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल. क्या बोला है, हरियाणा ने जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2023 के इसमें हरियाणा ने टॉप किया है. तो हरियाणा ने 40 गोल्ड जीते हैं, 39 सिल्वर जीते हैं एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. ओके. सो पैरा गेम्स जो है खेलो इंडिया के, इसका यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है मेडल टैली मैंने मेंशन किया है, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. 40 गोल्ड जीते हैं, 39 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 26, टोटल 105 मेडल जीत के जो पैरा गेम्स के विनर स्टेट बनी है वो है हरियाणा. सेकंड पर आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आता है तमिलनाडु, फोर्थ पे आता है गुजरात, फिफ्थ पे आता है महाराष्ट्र. सो यहाँ पे आप लोग रैंकिंग देख सकते हो किसका क्या है और किसने कितने गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं. ओके. सो खेलो गेम्स जो होते हैं ना वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स.
ओके सो 3 to 4 कैटेगरीज में जो है खेलो इंडिया के गेम्स होते हैं एंड खेलो इंडिया के गेम्स जो स्टार्ट हुए वो 2017 में स्टार्ट हुए थे ओके तो उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में खेलो इंडिया के गेम्स जो है वो खेले जाते हैं ओके सो अभी तक की अगर बात की जाए तो 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं एंड 1 इस साल जो था ये फर्स्ट टाइम था खेलो इंडिया पैरा गेम्स को इंक्लूड किया गया था ओके सो इसमें हरियाणा ने टॉप किया ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ओके अभी हम हमारी न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे देन खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कंप्लीट हुए वो दिसंबर 17 को कंप्लीट हुए स्टार्ट हुए थे ये गेम्स दिसंबर 10 को ओके दिसंबर 10 को स्टार्ट हुए दिसंबर 17 को ये एंड हुए न्यू दिल्ली में इसे रैपअप किया गया मतलब कि खेलो इंडिया के पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हुए थे ओके टोटल 1450 पैरा एथलीट्स में एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में ओके उत्तर प्रदेश जो है वो सेकेंड आया जैसे कि मैंने आपको बताया 62 मेडल्स के साथ जिसमें 25 गोल्ड 23 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज है तमिलनाडु जो है वो थर्ड पे आया 20 गोल्ड 8 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओके सो एथलीट्स जो थे वो 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज से जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया इस साल के गेम्स के लिए एंड KPIG में 7 स्पोर्ट्स कैटेगरीज में KPIG जो है वो खेला गया पैरा एथलीट्स पैरा शूटिंग पैरा आर्चरी पैरा फुटबॉल पैरा बैडमिंटन पैरा टेबल टेनिस पैरा वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग मतलब कि ये कैटेगरीज में जो है स्पोर्ट्स कैटेगरीज में KPIG को खेला गया है ओके एट द 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी स्टेडियम शूटिंग रेंज इन तुगलकाबाद एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 3 जगह पर जो है ये KPIG के गेम्स हुए ओके आई होप आप सभी को जो खेलो इंडिया के पैरा गेम्स हुए उसकी ओवरऑल एक रिव्यू आप लोगों को जो भी हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया होप आप सभी को समझ आया होगा करेक्ट तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है ओके ये फर्स्ट टाइम खेला गया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स नेक्स्ट वन है हरियाणा बीट्स राजस्थान टू विन अ विजय हजारे ट्रॉफी 2023 सो इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी जीता हरियाणा ने राजस्थान को हराकर नेक्स्ट है अरुणाक सिंह ठाकुर सेट्स अनवील खेलो इंडिया यूथ गेम्स लोगो एंड मैस्कॉट सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो मैस्कॉट अरुणाक सिंह ठाकुर द्वारा अनवील किया गया इस साल का जो एडिशन है दैट इज 6th एडिशन है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया अभी तक के 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले गए इस बार जो खेला जाएगा 2023 में वो 6th एडिशन रहेगा जो कि जनवरी 19 से लेकर 31st ऑफ जनवरी के बीच में खेला जाएगा और ये जो 6th वाला नंबर का एडिशन जो है वो कहां पर होने वाला है तमिलनाडु में होने वाला है तमिलनाडु के चेन्नई त्रिची मदुराई एंड कोयंबटूर में ये 4 सिटीज में जो है खेला जाएगा अगर स्टेट की पूछा जाए तो तमिलनाडु में 6th एडिशन का खेला जाएगा इस के पहले के जो 5 एडिशन है वो दिल्ली पुणे गुवाहाटी पंचकुला एंड भोपाल में ऑलरेडी हो चुके हैं सो 6th नंबर का होगा तमिलनाडु में ओके सो यहां पे हमारा स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है ये टेबल मैंने आप लोगों को जो है ईबुक में इंजन कर दिया है तो आप वहाँ पे रिवाइज कर सकते हो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी साइंस साइंस में पहला पॉइंट है मेटा IBM लॉन्च AI अलाइंस टू प्रमोट ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट गूगल लॉन्चेस लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल AI मॉडल जेमिनी चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मिथेन पावर रॉकेट जुक 2 फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय 2040 इसरो देखिए साइंस के पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है इसरो ने ऐसा अनाउंस किया कि पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जो मून पे जाएगा वो 2040 तक जाएगा जुक 2 जो है वर्ल्ड का फर्स्ट मिथेन पावर रॉकेट है चाइना लॉन्च करने वाला है जेमिनी जो है मोस्ट कैपेबल AI मॉडल है जो कि गूगल ने लॉन्च किया है एंड लार्जेस्ट है ये ओके एंड मेटा एंड IBM AI अलायंस को जो लॉन्च करिए जिसके तहत ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा ओके इट इज ऑल अबाउट साइंस नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर में ट्विंकल खन्ना की जो बुक है वेलकम टू पैराडाइज ये रिसेंटली लॉन्च हुई है देन उमा कुरेशी ने लॉन्च किया उनका पहला नॉवल जिसका नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है नए भारत का संविदा इस बुक को द रेनाउंड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज हैज नेम पोएट क्रिटिक सुकृता पॉल कोर एज अ 6th रिसिपिएंट फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स सो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज जो है ये सुकृता पॉल कुमार को जो है ये दिया गया ये 6th रिसिपिएंट है इनकी बुक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए इन्हें ये अवार्ड जो है ये प्राइज जो है वो दिया गया है ओके सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज सो डेज को हम लोग डिस्कस करेंगे एड्स डे वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 1st of December को मनाया जाता है देन आप लोगों को ध्यान में रखना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे 1st December को मनाया जाता है 1st December को 5th नागालैंड सेटू डे मनाया जाता है ओके उसके बाद है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये 2nd November को मनाया जाता है नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे 2nd November को मनाया जाता है उसकी थीम्स भी साथ ही साथ ध्यान में रखनी है इंडियन नेवी डे वेरी इंपॉर्टेंट 4th December को
मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल का थीम था सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। ओके, सिविल एविएशन डे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 नवंबर को होता है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये 9 नवंबर होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को होता है। कंटिन्यू करते हैं डेज को ही तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को होता है, यूनिसेफ डे वेरी इंपॉर्टेंट 11 दिसंबर को होता है, उसके बाद नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को होता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी इंपॉर्टेंट है 18 नवंबर को होता है, गोवा लिबरेशन डे 19 नवंबर को होता है, ह्यूमन सॉलिडरिटी डे 20 नवंबर को होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे वेरी इंपॉर्टेंट 22 नवंबर को होता है। सो ऑल इन ऑल सारे डेज को ध्यान में रखना है विद देयर थीम्स। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी है ओबिचरी। हेनरी किसिंगर नोबेल पीस प्राइज विनर है जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन्हें पीस प्राइज से नवाजा गया था फॉर देयर वर्क इन निगोशिएटिंग द सीज फायर कंटेन इन द पेरिस पीस अकॉर्ड ऑन दी एंडिंग द वॉर एंड रिस्टोरिंग द पीस इन वियतनाम। आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगी, इन्होंने पीस प्राइज हेनरी किसिंगर ने कौन से ईयर में जीता था, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है सीआईडी एक्टर दिनेश फडनीस जिनका हाल ही में निधन हुआ, फॉर्मर मिस्टर यूनिवर्स शॉन डेविस इनका हाल ही में निधन हुआ, वेटनर एक्टर नीम सैयद अका जूनियर महमूद पासिस अवे, देन है फॉर्मर वेस्ट इंडीज बैटर जो सोलोमन इनका हाल ही में निधन हुआ, सिंगम एक्टर रविंद्र बेर्डे इनका हाल ही में निधन हुआ है, डॉक्टर वी मोहनगिरी जो कि वेल नोन एडवोकेट है फॉर द वुमेन राइट्स इनका हाल ही में निधन हुआ है, कुवैत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जो थे ओबिचरी में, ऑलवेज मैं आपको कहती हूँ जो भी पर्टिकुलर इंसान का रिसेंट में जो जाता है उससे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर उसने प्रीवियस में कुछ अवार्ड्स जीते होंगे तो उनने कौन सा अवार्ड जीता था, बस इसी से उनकी जो पास कुछ उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ जो भी अवार्ड्स होते हैं जो भी चीज़ें जो उनने पास में की होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है ओवर देयर नेम। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है, लेकिन आप सभी को बताना चाहती हूँ, इवन मैंने अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को ये कवर करवाई थी कि न्यूली अपॉइंटेड सीएम जिसमें चेंजेस हमें देखने मिले, बट वो दिसंबर में सारी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, तो आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल करवाना चाहती हूँ, ये जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी जो सीएम में चेंजेस हुए थे वो दिसंबर मंथ में हुए थे, तो वो सारे सीएम्स आपको ध्यान में रखना है विद देयर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, राजस्थान छत्तीसगढ़ मिजोरम मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कब फॉर्म्ड हुआ है, क्या कैपिटल है, क्या लेजिस्लेचर है, किस तरह लिटरेसी रेशो है, स्टेट ट्री क्या, एनिमल क्या है, न्यू सीएम जो अपॉइंट हुआ वो कौन अपॉइंट हुआ, ये स्पेशली ध्यान में रखना है, और एट प्रेजेंट गवर्नर क्या है। ओके, सो जो इलेक्शन हुए थे उस दौरान कुछ चेंजेस हमें देखने मिले, उसके बाद जो सीएम जो अपॉइंट हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सारी चीज़ें आपको ईबुक में मिल जाएंगी, जो भी सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनके सबके ईबुक्स आपके कोचिफाई के एप्लीकेशन पे भी मेंशन आपको किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड वेबसाइट पे भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन नहीं है तो इसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए बेसिक डिटेल्स के साथ, आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके, ईबुक के सेक्शन में जाके ईबुक को विजिट कर सकते हो, सारे मंथ के सारे जो भी सेशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए जाते हैं वो ईच एंड एवरी सेशन की ईबुक आपको प्रोवाइड की जाती है, ईबुक जो है वो प्रिंटेबल प्रोवाइड की जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट थी कि मैम प्रिंटेबल ईबुक प्रोवाइड कीजिए सो दैट हम लोग रिविजन कर सकें, तो आपको प्रिंटेबल ईबुक्स प्रोवाइड की जाती है जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें जो सेशन मैं आपको देती हूँ वो सारा सेशन आपको दिया जाता है, अगर आप एक बार सेशन देख लेते हो तो रिवीजन के लिए आप ईबुक का यूज कर सकते हो। ओके, सो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ईबुक को एक्सेस कीजिए। सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है, आई होप आप सभी को दिसंबर मंथ का जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किया वो कंप्लीटली समझ आया होगा, अगर आपकी पर्टिकुलर आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट होगी सेशन के लिए तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अकॉर्डिंगली मैं सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग आरबीआई मेंस एग्जामिनेशन, मिलते हैं इस नेक्स्ट सेशन में, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आप लोगों को सेशन को लाइक करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आपको अभी आने वाले डेज में मिलने वाले हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।